अभी जो अपना पोर्शन बचा है फिजिक्स का, ठीक है, मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, जो फिजिक्स का पोर्शन अपना बचा हुआ है वो बचा है अपना ट्वेल्थ वाला इंपॉर्टेंट पोर्शन, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, राइट। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में अराउंड 6 चैप्टर्स है, ठीक है, ये 6 चैप्टर्स का पूरा सेट आता है। क्या क्या आता है इसमें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई एंड एसी, ठीक है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, एंड फिर उसके बाद होता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जो होता है वो इसमें आता है गाइस, देखो इसमें आते हैं अराउंड 3-4 चैप्टर, ठीक है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। मॉडर्न फिजिक्स मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोडायनामिक्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जो है ना, जिसको अपने को लेक्चर लगने वाले हैं, मतलब इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो एक चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विवेलेंट टू कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही इजी है, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना, ये मैकेनिक्स की तरह, इलेक्ट्रोडायनामिक्स इज लाइक मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स की तरह, ठीक है। तो गाइस ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में अपने को थोड़ा सा दिमाग लगने वाला है अच्छा खासा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही ग्रेविटेशन हो जाएगा। जो लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन सर, तो जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स है उसी में अपना ग्रेविटेशन भी होने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फ्लूइड्स है आपका, जो फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स और जो मेरा छोटा सा वे ऑफ थिंक बचा हुआ था वो अपने को निहाल सर करेंगे, ठीक है। निहाल सर का लेक्चर हुआ था, राइट, आपका, राइट। तो निहाल सर उसको धीरे धीरे पढ़ाएंगे। अब मैं आपको सिंपल से कुछ चीजें बताता हूं आपको कि क्या होने वाला है आपके साथ, ठीक है, और क्या हो रहा होगा आपके साथ, ठीक है। क्योंकि एक बहुत ही मतलब आप में से वन ऑफ द टॉपर, उनका और हमारे इंटरेक्शन हुआ था और उसने भी चीजें मेरे साथ थोड़ी सी शेयर की, ठीक है। तो उसने क्या चीज शेयर किया, ये आपके साथ हो रहा है क्या, वो मुझे पहले बताओ, ठीक है, फिर मैं उसका सोल्यूशन बताऊ आपको। आपके साथ ऐसा हो रहा है क्या कि जैसे अभी अपने कौन से कौन सेक्शन हुए, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे अपना हुआ है मैकेनिक सेक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ है, राइट, आपका उसके बाद कौन सा सेक्शन कंप्लीट हुआ है, मैकेनिक्स के बाद आपका हमारा हुआ है वेव्स, और उसके बाद हुआ है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, राइट, हीट एंड थर्मो, ये 3 सेक्शन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस, ये आपके दिमाग में, और रे ऑप्टिक्स, बिल्कुल, और रे ऑप्टिक्स, ठीक है, मैं रे ऑप्टिक्स भी लिखता हूँ। रे ऑप्टिक्स को तो अपन एकदम अवॉइड ही कर लिया है, मतलब ना उसका कुछ है, लेकिन चलो एटलीस्ट आपको लेक्चर्स तो अवेलेबल है, ठीक है। सो गाइस सब लोग यहाँ पे पहले देख लो, मैकेनिक्स, वेव्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, रे ऑप्टिक्स, ये 4 सेक्शन आपके हो चुके हैं। ये 2 सेक्शन आपके बचे हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, 2 सेक्शन अपने बचे हैं। अब खास करके मैं जो बोल रहा हूं वो एकदम कान खोल के ध्यान से सुनो उसको, ठीक है। अब हड़बड़ी क्या हो रही है बता, आपकी हड़बड़ी क्या हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है सर इतना पोर्शन हो रहा है, हम तो 0 पे है सर, हमने तो, कुछ लोगों ने तो स्टार्ट ही नहीं किया है, कुछ लोग ऐसे बोलते कि सर हम तो पढ़ ही नहीं रहे थे पहले, तो आपके लेक्चर्स हो रहे थे, हम लोग सो रहे थे, स्टार्टिंग के चैप्टर, मतलब सब लोग का मुझे ऐसा लगता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, फ्रिक्शन बहुत अच्छा हुआ है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन के बाद में, मतलब स्केलर वेक्टर, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन एंड थोड़ा सा काइनेमेटिक्स, इसके बाद आपने आपका टच छूट गया, राइट, इसके बाद इसके बाद आपका टच छूट गया, अभी तुम लोग म्यूटी रहो गाइस, ठीक है, म्यूटी रहो, ठीक है, इसके बाद आपका टच छूट गया है, ठीक है, मतलब आपके क्वेश्चन आपको याद करो, जरा थोड़ा सा याद करो, जब मैं वर्क एनर्जी पावर पढ़ा रहा था क्लास में, जब अपने वर्क एनर्जी पावर पढ़ा रहा था, जब अपना चल रहा था पिछले साल, जब वो चल रहा था तब आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे सॉल्व होते थे, राइट, जब वो चल रहा था तो आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे सॉल्व होते थे, राइट, लेकिन अभी वही क्वेश्चन जो आपके तब होते थे अभी हो रहे क्या, अरे अभी हो रहे क्या वो क्वेश्चन, नहीं हो रहे, राइट, आपका स्पीड थोड़ा सा स्लो हो गया, राइट, कुछ लोग तो उसकी थ्योरी भूल गए, मतलब कुछ लोग को तो ऐसा, मतलब आप जब पढ़ने लगते हो तो ऐसा लगता है अरे सब पूरा का पूरा नया है, तो मतलब ऐसा फील आता है कभी कि ये तो पूरा का पूरा नया लग रहा है, मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि कुछ पढ़ा ही नहीं है, राइट। तो गाइज मैं आपको एक सिंपल सा बात बताऊं, इसका सोल्यूशन बताऊं, खास करके मैं आपको बताऊं, वेव्स एंड हीट एंड थर्मोडायनामिक, ये सेक्शन तो ऐसे है कि जब मैं वेव्स पढ़ा रहा था तो आप ये जो सेक्शन ऐसे कि इसको सपोज आपने 10 डेज टच नहीं किया, कितना 10 दिन,
10 डेज आप टच मत करो इसको और वेव्स पढ़ने जाओ, ठीक है, वो फॉर्मूला आपको याद रहेगा लेकिन उसका डेरिवेशन से लेके हर एक चीज आप भूल जाओगे। आपको ऐसा लगेगा अरे यार वेव्स तो पढ़ा ही नहीं है, मेरे को कुछ आता ही नहीं है वेव्स, ठीक है, या हीट एंड थर्मो भी ऐसे ही होने वाला है गाइस, हीट एंड थर्मो भी ऐसे ही होने वाला है, कुछ कुछ पार्ट आएंगे लेकिन फिर आपको ऐसा अनकंफर्टेबल फीलिंग होगा, अरे यार क्या मैं सही कर रहा हूँ, इतना सारा पोर्शन आ रहा है और मैं बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है मेरा, मैं तो ये जो किया हुआ पार्ट भी भूल रहा हूँ, कैसे करूंगा मैं, राइट। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब आपको थोड़ा सा ना मेंटली स्ट्रांग बनना है। मेंटली स्ट्रांग का मतलब क्या है मैं बताता हूँ आपको, मैं पहले मैं मेरे बारे में बताता हूँ। मैंने सपोज वेव्स को छुआ नहीं, चलो आपका 15 दिन ना, मैंने वेव्स को 1 महीना छुआ नहीं, 1 मंथ छुआ नहीं, मतलब क्या, सपोज उसको मैंने टच नहीं किया तो मैं खुद भूल जाता हूं, मैं खुद भूल जाता हूं, मतलब क्या, खुद मेरे दिमाग से निकल जाता। तो भाई आप क्या हो भाई, आपके भी तो निकल जाएगा। अब मैं खुद भूल सकता हूं कोई चीज, ठीक है, मतलब आपको पढ़ाने वाला भूल सकता है तो आपका भी हालत वही होगा, राइट। तो सिंपल सी बात है, अभी आपको दिमाग में क्या रखना है मैं आपको बोलता हूं, ठीक है। अब ये एक कान मंत्र है जो सब आपको ना अभी आगे के 3 महीना ये दिमाग में रखना है। 3 महीने के बाद जून जुलाई, जुलाई में अलग स्ट्रेटेजी होगी, जब अपना पोषण खत्म होगा स्ट्रेटेजी अलग होगी, राइट। मैंने जैसे आपको बोला था जुलाई एंड में अपना पोषण खत्म होगा तो जुलाई एंड के बाद स्ट्रेटेजी अलग होगी। अब 3 महीने के लिए आपके दिमाग में ये चीज रखनी है, दिमाग में डाल दो। सब लोग है यहाँ पे, मैं देखता हूँ यहाँ पे सब लोग मोस्टली आ गए हैं, ठीक है, कुछ कुछ जो जिन लोगों को वीडियो नहीं दिख रहा होगा गाइस, जिन लोगों को वीडियो नहीं दिख रहा होगा कोई दिक्कत नहीं, सुन लो, ठीक है, आवाज तो ही अपना। आप लोगों को एक चीज दिमाग में डालनी है, जैसे अभी हम लोग स्टार्ट करें करंट इलेक्ट्रिक, जो उसको हम लोग बोलते हैं करंट टॉपिक, आपको ये जो गए हुए टॉपिक्स है ना उसके ऊपर ना 100% कमांड नहीं करनी है, उसके कितने भी क्वेश्चंस बचे हुए रहने दो, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं रहने दो, चलेगा, ठीक है। आपको बेसिकली क्या करना है, आपको बेसिकली यहां पे मैं आपको बताता हूं, ये 4 के 4 सेक्शन फिजिक्स के, ठीक है, मैंने आपको एक टाइम टेबल बना के दिया था जो आपको फॉलो करना है मे से, राइट। मैंने आपको बोला था ना मे से एक टाइम टेबल आपको फॉलो करना है, जैसे आपका 3 आवर्स का पढ़ाई या 3.5 घंटे का पढ़ाई होता होगा तो आपको 2 घंटा प्रीवियस पे डालना है। अब आपको क्या करना पता है, वापस सब लोग देखो, आपके उस इसके ऊपर, इन सेक्शंस के ऊपर आप क्वेश्चन सॉल्विंग का स्पीड मत देखो, सिर्फ आप थ्योरेटिकली जो मेरे कंसेप्ट पढ़ाए हुए हैं उसको स्ट्रांग बनाओ एटलीस्ट। मतलब ये आगे की जो 3 महीना है ऐसा पकड़ लो, मई पूरा जून, ठीक है, एंड जुलाई, मई जून जुलाई तक एटलीस्ट इन 4 सेक्शंस को आप सिर्फ टच करोगे। टच करोगे मतलब क्या, इसके थ्योरेटिकली वीडियोस देखते रहोगे, कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग बनाओगे, शायद आपके क्वेश्चन सॉल्व ना हो। आपके ऐसा मत समझो कि इनके सबके क्वेश्चंस मेरे को फटाफट सॉल्व होने चाहिए, नहीं, जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए तो भी चलेगा, बस थ्योरेटिकली कंसेप्चुअली आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। और कभी भी ऐसा हुआ किसी ने कुछ ने आपको क्वेश्चन पूछा, चल एक काम करते हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर, आपको नहीं आ रहा, ठीक है, आपको नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि आपने टच नहीं किया, क्योंकि मुझे होता है 3 महीने में क्या हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आप रोज रोज करोगे, क्या ऐसा होने वाला है कि रोज रोज करने वाले, नहीं, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आप 4 दिन किया उसके बाद डायरेक्टली 15 दिन आपने कुछ और किया, आपने पढ़ाई नहीं, 15 दिन के बाद हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का किसी ने क्वेश्चन पूछा आपको नहीं आया, क्योंकि आपको याद ही नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी मेमोरी बेस्ड नहीं है, राइट, ठीक है। तो क्या करने का, एकदम सिंपल, आपके दिमाग में ये दिमाग में डालने का, मुझे वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आता है ऐसा बोलने का मन में, ठीक है, मुझे आता है बस मैंने प्रैक्टिस नहीं की, या मुझे उसे 10 से 15 दिन मैंने उसको टच नहीं किया है इसलिए मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, जो एक्चुअली सच्चाई है, सच्चाई है कि नहीं है। जब आप वो जो टॉपिक आप करते हो और उसकी जो प्रैक्टिस करते हो, कोई भी एक टॉपिक आप पकड़ लो उसकी प्रैक्टिस करो और वो टॉपिक के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे आपको आता है, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे वर्क एनर्जी पावर आपने लिया, मैं आपको बताता हूँ, मतलब एग्जांपल देता हूँ, वर्क एनर्जी पावर आज बैठो, आज वर्क पावर एनर्जी लेके बैठो, 3 दिन मेरे वर्क पावर एनर्जी के सारे वीडियोस देख लो वापस और पूरा का पूरा अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो और फिर एच शर्मा के क्वेश्चन सॉल्व करो, आएगा आपको। अब वही क्वेश्चन 10 दिन के बाद, 10 दिन टच मत करो, आपने 3 दिन पढ़ लिया, अब 10 दिन वापस टच मत करो और क्वेश्चन पूछो, नहीं आएंगे, या आपका स्पीड हाफ हो जाएगा, आपको चमकना जो होता है ना चमकना, वो चमकना कम हो जाएगा, होता है कि नहीं होता है, ये होने वाला है गाइस, इसको ही बोलते प्रैक्टिस, इसको ही बोलते प्रैक्टिस। तो इसीलिए पहली चीज
पूरा का पूरा फिजिक्स एट अ शॉट, पूरा का पूरा फिजिक्स एट अ शॉट पढ़ने की कोशिश अभी नहीं करनी है। समझ में आ रहा है? मतलब तुम ऐसा बोलोगे मुझे ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी अच्छा करना है और मुझे वेव्स एंड हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में अच्छा करना है एट द सेम टाइम, हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। जब आप कोई करंट टॉपिक पढ़ते हो तो वो आपका स्ट्रांग बनेगा, वो स्ट्रांग बनने वाला टॉपिक होता है वो एक महीने के बाद वापस वीक बनेगा। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी अभी मैं पढ़ाऊंगा 15 दिन बहुत स्ट्रांग, आपको सब कुछ आएगा। एक महीने के बाद जब मैं मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाने वाला होऊंगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी जो अच्छा है अभी आपका, वो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाते डूब जाएगा। मतलब उसके क्वेश्चन अभी जो आ रहे हैं वो बाद में नहीं आएंगे, ये होने वाला है। और ये सबके साथ होता है, आप कुछ अलग नहीं हो, ठीक है, आप अलग नहीं हो। हाँ, लेकिन कौन इसमें बचता है, कौन बचता है? जो इसको देख के ऐसा डिमोटिवेट होकर बैठता है, बोलता है अभी अब मेरे तो होने वाला नहीं है, अभी तो यार मेरे को तो वो भी नहीं आ रहा है जो पिछले साल सर ने पढ़ा है, वही नहीं आ रहा है तो अभी मैं पढ़ के क्या करूं, ये सोचने वाले लोग डूबते। तो आपको ये सोचना ही नहीं है, आपको क्या सोचना है, जो पिछले साल हुआ है वो एक्चुअली मुझे आता है, बस जब मैं इसका रिविजन करूंगा और जब मैं इसकी प्रैक्टिस करूंगा तो होने वाला है। और मुझे बताओ कब होने वाला है वो चीज, कब चीज होगी ये चीज? मैंने आपको बोला हम लोग जल्दी पोषण खत्म क्यों कर रहे हैं, बताओ हम पोषण जल्दी, अभी एक्चुअली जून में जनरली मई में एक्स्ट्रा लेक्चर लगाने वाला था, मैं सोचा कि मई में नहीं लगाऊंगा, मैं जून में एक्स्ट्रा लेक्चर लगाने वाला हूँ। अरे भाई जल्दी पोषण खत्म करते, जब रिविजन स्टार्ट होगा ना गाइज, तब आपके पास ना कोई नया पढ़ने के लिए नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपको कुछ नया पढ़ना है, नया सीखना है, आपको फिर प्रॉपर टाइम टेबल दिया जाएगा जुलाई में, ठीक है, जुलाई मिड में हम प्रॉपर टाइम टेबल देंगे, जिसको अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीना फॉलो करना है प्रॉपर तरीके से, और तब आपका आएगा स्पीड, ठीक है। तो अभी एक चीज बना दो, आगे के 3 महीने आपको किसके ऊपर कमांड करनी है बताओ मुझे। ये जो है वो ठीक है, ये आपको सिर्फ इस तरीके से मेरे वीडियोस देखने हैं, फिर से इसका आपका एक रिविजन हो जाए। मतलब ऐसा नहीं कंप्लीटली भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स एकदम फुल 100% आपका कॉन्फिडेंस में आना चाहिए, ठीक है, 3 महीना, ठीक है। अब ये 3 महीने करंट टॉपिक के ऊपर कब्जा जमा है ना, और आप क्या पैरेलली क्या कर रहे हो, पैरेलली ये चारों चार टॉपिक आप पढ़ रहे हो, लेकिन उसके ऊपर आप ना मास्टरी नहीं कर रहे हो। देखो इसके ऊपर मास्टरी नहीं कर रही है, ऐसा नहीं कि वेव्स का कोई भी क्वेश्चन दिया आ जाएगा, फिर वेव्स क्या होता है जो मैंने पढ़ाया था, रिविजन करो वीडियो से, क्विक 2.5x या 2 स्पीड से फटाफट करके रिविजन करो, समझे गाइस? समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये जो चीज है। यस, और रिवीजन करने के लिए कौन से लेक्चर्स देखने हैं मेरे, जेवाईसी वाले, क्योंकि जेवाईसी वाले वीडियोस एकदम क्विक है, तो जेवाईसी के वीडियोस देख के क्विक मैकेनिक्स का रिवीजन आपका हो जाएगा। ऐसे जब तक पूरे के पूरे वीडियोस बनाए, कुछ कुछ पार्ट मैंने यहाँ पे पढ़ाया नहीं है वो भी उसमें है, मेरे आपको बताया मैंने कुछ एडवांस वाला पार्ट छोड़ा हुआ है, वो निहाल सर तो है ही आपको पढ़ाने के लिए, राइट निहाल सर, कुछ लेक्चर्स आपके रहने वाले जून में भी और मई में भी कुछ लेक्चर्स एक्स्ट्रा रखेंगे, जो पार्ट मैंने छोड़ा हुआ है वो करेंगे, ठीक है, वो आपको पढ़ाएंगे, ठीक है गाइस? मतलब ऐसा नहीं हो जाए फिर पूरा का पूरा कंप्लीटली मेरे ऊपर डिपेंड ना हो जाए, क्योंकि मेरे ऊपर बाकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ऐसा नहीं है अभी 10th to 11th वाले एडमिशन भी चल रहे हैं, ठीक है, नई बैच भी बन रही है, एट द सेम टाइम आपको भी पढ़ाना है। तो गाइस बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमारे ऊपर होती है वैसे हम आपके ऊपर भी होती है। अभी एक चीज इलेक्ट्रोडायनामिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स बाप बनना चाहिए, मतलब अल्टीमेट होना चाहिए, उसमें अपने को फोड़ना है, ये दिमाग में डालो, ठीक है। एक मिनट विशाल सर, और मुझे और एक चीज करनी है, अमन सर आप हो अभी? हाँ सर इधर ही हूँ। हाँ अभी अमन सर और हम लोग आपका, देखो मतलब एक मिनट में विशाल सर को पैनल लिस्ट बनाना है। हाँ अब क्या हो रहा है गाइस, अमन सर जो है, ठीक है, अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे, अब आपको क्या करना है, आपको पता है ये दो टॉपिक जो है ना, ये दो सेक्शन जो है, ये पूरे के पूरे सीईटी, मतलब पूरी जो सीईटी एग्जाम होती है, सीईटी एग्जाम में 80% पोर्शन यही है, ठीक है, जेईई मेन एंड नीट तो है ही है, लेकिन सीईटी में 80% पोर्शन ये है। तो जिन लोग को सीईटी करनी होती है, मतलब जिन लोग का एम थोड़ा सा सीईटी ओरिएंटेड भी होता है, ठीक है, कुछ लोग आप में से होंगे कि जिनको मतलब सीईटी में, देखो हमें बोला था आपको सबको सीईटी में अच्छा मार्क्स आना ही चाहिए, लेकिन जिनका स्पेशली एम सीईटी है, नॉट इवन जेईई मेन, उनके लिए तो भाई इलेक्ट्रॉन मॉडर्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे रेगुलर लेक्चर बैठने का, मेरे रेगुलर लेक्चर में भी एक हैबिट डालने वाला हूं, मैं बताने वाला हूं। अब इसके आगे एक मैं बताऊंगा, चलो इसके आगे होगा जेईई मेन एंड जेईई एडवांस, ठीक है,
इधर तक सीईटी, ऐसा मैं बोलने वाला हूँ, तो आपको एक आइडिया भी आ जाएगा, ठीक है। और अमन सर जो है गाइस, आप लोग के साथ आपके वाइवा चल रहे, मतलब वाइवा जो अभी मैं स्टार्ट करूंगा वापस, ठीक है, क्योंकि 15 दिन हो गए, ये हो गया, जिन लोग का वाइवा बचा हुआ है सबका वाइवा अमन सर और हम लोग लेंगे। आपके वाइवे दो टाइप के होंगे, दो टाइप का वाइवा, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो नया टॉपिक अभी चल रहा है, तो हम लोग करंट टॉपिक के ऊपर भी वाइवा रखेंगे और प्रीवियस टॉपिक के ऊपर भी रखेंगे, लेकिन प्रीवियस टॉपिक से कंसेप्चुअल चेक होगा, टेंशन मत लेना, एकदम बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं देंगे हम लोग। तो आपको वो वाइवा का पूरा टाइम टेबल सर इनके हम लोग को सेंड करना है, ठीक है। तो वाइवा टाइम टेबल मतलब क्या, कौन से दो टॉपिक, फिर वो करंट, मतलब आपका जो पूरा का पूरा टाइम टेबल है वो वाइवा और उसके थ्रू बन जाएगा, ठीक है गाइस। उसका सिलेबस मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि अभी 15 दिन के बाद, लेट्स से 15 डेज के बाद, तीन प्रीवियस टॉपिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी नया टॉपिक, ये चार टॉपिक के ऊपर आपकी वाइवा होने वाले, तो आपको चार टॉपिक का प्रिपरेशन करना है, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, आपका टाइम टेबल हम बनाएंगे इन शॉर्ट, जिसको जो जो टाइम टेबल मिल जाएगा वाइवा का उसको वो फॉलो करते रहना है, ठीक है। और वाइवा हमारे में से कोई भी ले सकता है, मैं ले सकता हूँ, अमन सर ले सकते हैं, ठीक है, इवन वाचिक में विशाल सर ले सकते हैं, वाइवा कोई भी लेगा, मतलब टीचर्स में, ठीक है, जो हमारे टीचर्स के ग्रुप में कोई भी वाइवा ले सकता है, इवन निखिल सर भी ले सकते हैं मैथ का, राइट, आतिफ सर लेंगे, कोई भी, शिवम सर लेंगे, शिव सर लेंगे, वाइवा कोई भी लेगा, राइट, जिसको जैसे टाइम हो वैसे वैसे वो बात करते रहेगा, मतलब आपका इंटरेक्शन बढ़ेगा हमारे साथ, ठीक है। सो वी हैव इंटरेक्शन, यू गाइज विल हैव इंटरेक्शन विद ऑल द टीचर्स, ठीक है। चलो, ये वाइवा वाली चीज बहुत ही मजेदार है गाइज, मतलब हमको बहुत अच्छा लगा, कि हम लोग ने पहले भी करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, 8 एंड 9 एंड 10 में वाइवा होता है, बाकी कोई भी बड़े ब्रांडेड क्लासेस में कोई वाइवा नहीं होता, बट वाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑनलाइन में, ठीक है। चलो गाइज, अपन स्टार्ट करते हैं फटाफट, अभी फंडा दे दिया तो मैंने आपको एकदम कंक्लूजन बताता हूँ। ये जो प्रीवियस टॉपिक्स, मैं अभी सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, सेम वैलिड फॉर केमिस्ट्री एंड सेम वैलिड फॉर मैथ। प्रीवियस टॉपिक को आपके दिमाग में ऐसे रखना है कि यार, हाँ, प्रीवियस टॉपिक किसके लिए होते हैं, प्रीवियस टॉपिक मेरे मुझे आते हैं, बस मैंने रिवाइज नहीं किया है, इसके लिए मुझे अभी नहीं जम रहा है, जब मैं रिविजन करूंगा तो मुझे आने वाला है, ये चीज दिमाग में डाल दो। करंट टॉपिक के ऊपर ध्यान दो, आप सबके ऊपर इक्वली मास्टरी नहीं कर सकते, एक साथ टाइम लगेगा, सो यू हैव टू मैनेज योर टाइम, ठीक है गाइस। चलो आगे बढ़ते, सर लेट्स स्टार्ट। हाँ बोलो सर, अभी डाउट सॉल्विंग सेशंस जो रात में चालू है, तो सपोज अगर हमें डाउट्स नहीं है, सो आप प्रेफर करोगे, यानी हमने बैठना चाहिए कि नहीं फिर उसमें? नहीं बैठना चाहिए, जिनको डाउट है वही ना, उधर क्या लिखा है, जिन जिन लोगों को डाउट है उधर आने का, डाउट्स में बैठने का चला जाने का, डाउट्स में बैठने का चला जाने का। हाँ, अब कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों के जो डाउट्स होते हैं तुमको क्वेश्चन सॉल्विंग करने की, कुछ कुछ लोगों के डाउट्स भी अच्छे होते हैं, तो उससे तुम कुछ नया भी सीखते हो, तो तुम्हारे पास टाइम है तो कभी कभी बैठा करो, कभी कभी मत बैठा करो, दोनों ऑप्शन चलेगा। ओके सर, थैंक यू, ठीक है, यस यू कैन क्लियर कंसेप्ट। अब हमने क्यों किया है वो, रोज रोज डाउट सॉल्विंग क्यों रखा है हमने, डाउट सॉल्विंग का ये कहना है कि आपके कंसेप्ट क्लियरेंस, डाउट सॉल्विंग, हर एक चीज उसमें हो जाएगी आपकी, ठीक है। प्लस हमारे, मैं, अमन सर और मतलब जैसे मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, विशाल सर, हम लोग फिजिक्स का वाइवा लेंगे, सिमिलरली केमिस्ट्री वाले टीचर्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स वाले टीचर्स मैथ्स का वाइवा लेंगे सब लोग, ठीक है। और तुम लोगों को कभी कभी लगता होगा कि हाँ, किसी का डाउट चल रहा है, तुम्हारा टाइम पास हो रहा है, तो मत बैठो डाउट, जब तुम्हारा डाउट आएगा सर को पूछो, सर मैं कितने टाइम के बाद में आऊँ मैं डाउट पूछने के लिए, सर को पूछो, सर बोलेंगे 15 मिनट में आ, तब आ जाओ और डाउट क्लियर करो, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में सबके डाउट बहुत ज्यादा होते हैं, एक आध महीने के बाद डाउट बहुत सारे कम हो जाएंगे, तो तुमको पर्सनली इंडिविजुअली भी टाइम मिलेगा डाउट, ठीक है, हमेशा होता है। अब बहुत टाइम के बाद मिले इसलिए थोड़े से फंडे देने जरूरी थे, सो लेट्स स्टार्ट विद करंट इलेक्ट्रिसिटी गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पे भी देखता हूँ कि ये कैमरा बेचारा कब से चल ही रहा है, ठीक है। तो आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब एनसीईआरटी वगैरह क्या करना है, कैसे करना है, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी तुम लोग, अभी एट प्रेजेंट मैं बताऊंगा सीईटी वालों के लिए, जो सीईटी ओरिएंटेड लोग हैं, मैं बोलूंगा कि एचसी और मा के ये क्वेश्चंस नहीं करने। जब मैं क्वेश्चन को होमवर्क दूंगा, तो अभी होमवर्क आपको ना सेपरेटली मिलेगा बैचेस वाइज, नीट के लिए ये होमवर्क, जेई मेन जेई एडवांस के लिए ये होमवर्क, नीट सीईटी के लिए होमवर्क, ठीक है। तो हर एक का अपना अपना होमवर्क उस तरीके से करने का, सबको सब करने की जरूरत नहीं है स्टेज पे, ठीक है। हाँ, कंसेप्चुअल लेक्चर पूरा बैठने का, क्योंकि वो कंसेप्ट तो कंसेप्ट होते हैं, वो जेई मेन हो, सीईटी हो, नीट हो, सबके लिए कंसेप्ट तो सेम ही होते हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग आपकी सिर्फ डिफिकल्टी लेवल अलग अलग होगी, ठीक है गाइस।
सो लेट्स स्टार्ट विद करंट इलेक्ट्रिसिटी. सो करंट इलेक्ट्रिसिटी का देखो गाइस, इसको मैं कैसे पढ़ाऊंगा. करंट जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक कभी कभी कुछ लोग पहले पढ़ाते हैं, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सा रिलेटिवली इजी है, जिसके थ्रू हम लोग कैपेसिटर बहुत अच्छे से कर सकते हैं एंड इलेक्ट्रिक. तो मैं इलेक्ट्रो कैपेसिटर करंट सबको मिलकर पढ़ाने वाला हूँ. तो तीन चैप्टर्स को मैं मिलकर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है गाइस. तो उसमें पहला मेरा फंडा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का. सो लेट्स स्टार्ट विथ करंट इलेक्ट्रिसिटी. एकदम पहले जो बचपन में अपन ने पढ़ा था, बचपन में हमने क्या पढ़ा था वो पहले मैं लिखता हूँ. बचपन में हमने जो जो कुछ कुछ टर्म्स देखे थे उस टर्म्स को मैं यहाँ पे लिखता हूँ. बचपन में सबसे अपना फेवरेट टर्म था पोटेंशियल डिफरेंस, वी, ठीक है. तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग लिखते हैं वी. ये था पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस. फिर उसके बाद आई था, आई को हम लोग क्या बोलते थे, करंट, करंट. और फिर हम लोग देखते थे पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, दे आर प्रोपोर्शनल. जितना मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा, मतलब एक रेजिस्टेंस लिया मैंने और उसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, मतलब एक बैटरी लगाई और मैंने बैटरी का वोल्टेज बढ़ाना चालू किया 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, तो करंट भी वैसे ही बढ़ता है. तो एक अपना लॉ आया था जो सबका फेवरेट लॉ है, V इज इक्वल टू आई आर. इसको हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, ओम्स लॉ, राइट. ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट था गाइस, ओम्स लॉ. अब करंट की वैल्यू क्या होती थी, V डिवाइड बाय R. तो करंट मुझे सपोज किसी को चाहिए तो करंट होता था V डिवाइड बाय R. तो ये था मेरा ओम्स लॉ जो अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, ठीक है. जो जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूँ जो 8, 9, 10 में आपने पढ़ी हुई है वो उसको लिख रहा हूं मैं. कोई बोलो यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती थी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कोई भी सपोज एक मटेरियल होगा गाइस, एक कोई भी मटेरियल होगा, मटेरियल की लेंथ सपोज एल है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसकी रेजिस्टिविटी आपको याद है, इसकी रेजिस्टिविटी ये है, ठीक है. रेजिस्टिविटी रो है, तो मुझे बताओ कि इसका रेजिस्टेंस कितना होता था. क्या चीजें बचपन में आपने पढ़ा होगा, राइट. रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या, रेजिस्टिविटी, हाँ, लेंथ अपॉन एरिया. तो रेजिस्टेंस ये होता था कोई भी मटेरियल का, मतलब आप कोई भी मटेरियल पकड़ लो, कोई भी मटेरियल, जैसे मतलब ये पेन मेरे हाथ में, तो इसका भी रेजिस्टेंस होगा. कोई एक वायर है, मेटल वायर, कोई भी वायर हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, कोई भी हो, तो हर एक का रेजिस्टिविटी रो अलग अलग होता है. तो जितनी ज्यादा लेंथ, देखो ना रेजिस्टेंस, जितनी ज्यादा लेंथ उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना रेजिस्टेंस कम. देखो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल. तो ये सब चीजें जो पढ़ी थी आपको पता है, मैं इसका डेरिवेशन बताऊंगा, ठीक है. इसका भी एक डेरिवेशन आता है, अभी हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से डिराइव भी करने वाले, ठीक है. लेकिन ये डेरिवेशन मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा. इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने क्या बोला, कुछ मैं अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक सबको कंबाइन करने वाला, ठीक है. थोड़ा सा अलग वे में अपन पढ़ेंगे इस बार, तो इसको मैं बाद में लूंगा बहुत सारे जगह पे. मेरे मतलब मेरे जो जेवाईसी के वीडियो थे उसमें आपने देखा होगा एकदम सीक्वेंस में गया, इलेक्ट्रो पहले, फिर कैपेसिटर है, फिर करंट है. अब मैं सीक्वेंस कैसे कर रहा हूँ, करंट पहले उठा दिया मैंने, तो करंट के बाद ये डेरिवेशन वाला पार्ट है वो बाद में करूंगा मैं इलेक्ट्रो के बाद, ठीक है. और फिर करंट एंड इलेक्ट्रो का कॉम्बिनेशन से मैं कैपेसिटर फटाफट कर दूंगा, इस तरीके से अपन जाने वाले थोड़ा सा अलग, ठीक है. तो ये डेरिवेशन अभी के लिए तो आपको पता ही है क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आए रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू लेंथ बाय एरिया, ठीक है. वी को हम लोग ने क्या बोला, वी इज कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस. आई इज कॉल्ड व्हाट, करंट. वी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर इन व्हाट, ये किसमें मेजर होता है, वोल्ट्स में, ठीक है. करंट किसमें मेजर होता है, एम्पियर में. तो ये सब कुछ चीज आपको पता ही है, राइट. कुछ लोग बोलेंगे सर करंट को क्या लिखते हैं, व्हाट इज करंट. अरे करंट क्या होता है, तो कोई भी बोलते हम लोग करंट जाता है, मतलब क्या जाता है, फ्लो ऑफ चार्ज. चार्ज मतलब क्या भाई, कोई भी मेटल में क्या होते, कोई भी मटेरियल में क्या होते, इलेक्ट्रॉन्स होते, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो करंट होता है, ठीक है. अब करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब क्या, हम लोग इसको दो तरीके से लिखते हैं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. या कुछ लोग क्या बोलेंगे, आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी. अब ये डिफरेंशियल हो गया टाइम, मतलब ये डी क्यू बाय डी टी कर सकते हैं, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, राइट. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. तो मुझे बताओ ये सारी बेसिक चीजें हम लोग को पता थी, राइट. ये हम लोग ने, ये जो मैंने अभी लिखा हुआ है ये एग्जस्ट आपको एक याद आ जाएगा, आपने जो 8, 9, 10 में क्या क्या पढ़ा था इसके लिए मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिखी, ठीक है. इतना क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा सा याद आ गए सारे टर्म्स याद आ गए, ठीक है. चलो अपने को जो पढ़ना है गाइस, अपने को जो पढ़ना है
आज जो अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ, ठीक है, मतलब ओम बचपन में पढ़ते थे, सारे टर्म्स आपको पता है। हम लोग अभी दो मेथड देखेंगे, दो मेथड, ठीक है, और ये दो मेथड आपको कोई भी क्वेश्चंस आपके ऐसे ही सॉल्व होंगे। पहला मेथड है किरचॉफ, किरचॉफ के कुछ लॉज वो पढ़ेंगे, और फिर सेकंड मेथड पढ़ेंगे नोडल एनालिसिस, नोडल मेथड। तो मैं दो मेथड वापस बता रहा हूं, ठीक है, दो मेथड, कौन सा मेथड, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, मतलब किरचॉफ के कुछ लॉज एंड नोडल एनालिसिस, ये दो चीजें, ठीक है। तो अभी फटाफट मैं यहां पे लिख देता हूं, किसी को चाहिए तो एक काम करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी करके हेडिंग डाल दो, पहले ये लिख दो ये जो मैंने लिखा हुआ है, और ऐसा लिखो वहां पे 8, 9, 10, ठीक है, बेसिक 8, 9, 10 करके ऐसा इतना लिख दो, फिर आगे करते हैं हम लोग। फटाफट लिखो एक दो मिनट में, एक मिनट में फटाफट लिखो गाइस, और हर एक चीज को भी लिखना है। कुछ लोग क्या करते पता है ना, रिकॉर्डिंग सिर्फ देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं और बाद में लिखते हैं। नहीं गाइस, अभी आपको हर एक चीज प्रॉपर तरीके से लिखनी है, ठीक है। ऐसा पकड़ लो, अब ट्वेल्थ अपना स्टार्ट हो चुका है, आपको सीईटी में अच्छे मार्क्स तो 100% लाने हैं, तो आपको ये तो पढ़ना ही है। जेई मेन, नीट में लाने हैं, उसके लिए क्या करना है वो तो मैं अभी आपको बता ही दिया, राइट। तो ये टॉपिक आगे के दो महीने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स चलेगा, 2 months, पूरे जून एंड तक हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करेंगे। जून एंड भी नहीं, ज्यादा जुलाई फर्स्ट वीक तक जाएगा, ठीक है, जुलाई फर्स्ट वीक तक सब जाने वाला है। तो आगे के 2 महीने जो है आपका नया स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो नए एनर्जी से स्टार्ट करो गाइस, फटाफट लिखो अभी इसको। सर एक डाउट पूछना था। हाँ बोलो सर, जो आए है एम्पियर वो तो एक स्टैंडर्ड यूनिट है ना, मतलब 7 स्टैंड बेस क्वांटिटीज जो होता है उसमें एम्पियर का भी आ जाता है ना नाम। बट एम्पियर भी हम लोग उसको चार्ज बाय टाइम बोलते हैं, तो वो लोग ने चार्ज के कूलम, नहीं चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम ऐसा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब वो मतलब वो चार्ज बेसिक यूनिट नहीं है, एम्पियर ही बेसिक यूनिट है। तो यूनिट्स एंड डाइमेंशंस के हिसाब से मत सोच अभी, ओके। ठीक है चलो गाइस आगे बढ़े, आगे बढ़े गाइस। ये तो क्या लिख के आपका, ठीक है। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को आज पढ़ना है और उसके ऊपर सारे के सारे अपने क्वेश्चन डिपेंड होंगे, वो है किरचॉफ, ठीक है। तो किरचॉफ बहुत ही इंपॉर्टेंट था, देखो यहाँ पे जो उसका स्पेलिंग भी लिखता हूं मैं यहाँ पे, KIRCHOFF, किरचॉफ लॉ, ठीक है। बहुत घटिया सा स्पेलिंग है, स्पेलिंग मत देखो, ठीक है, किरचॉफ लॉ। अब किरचॉफ लॉ को हम लोग एक्चुअली दो ही लॉ अपन यहाँ पे पढ़ेंगे, एक है KCL, किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है, KCL। अब KCL क्या होता है, एकदम सिंपल, ये मैंने एकदम स्टार्टिंग में कुछ लोगों को डेमो में पढ़ाया था, किसी को याद होगा तो। आपको पता है किरचॉफ करंट लॉ में बेसिक क्या है, सपोज एक करंट आ रहा है, लेट्स से करंट आई आ रहा है, ठीक है। अब ये करंट आ रहा है लेट्स से 10 एम्पियर, और यहाँ पे करंट गया लेट्स से 2 एम्पियर, तो मुझे बताओ बचा कितना करंट है, यहाँ पे कितना करंट जाएगा, 8 एम्पियर। अरे 8 एम्पियर, मतलब आपने कैसे किया, मतलब आपने सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन, डायरेक्शन करंट की कुछ मैटर नहीं करती, वो कोई भी वायर चलेगा तो इसको ऐसा मत बोलो कि ये वेक्टर है, आपको सबको पता है ये स्केलर है, क्योंकि इसमें सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन चलता है। तो किरचॉफ करंट लॉ बेसिकली क्या था कि कोई भी करंट आया आए, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देखो, इसमें करंट गया I1 इधर, इसमें करंट गया I2 इधर, इसमें करंट गया I3 इधर, तो मुझे बताओ करंट I जो होता है, करंट I की वैल्यू हो जाएगी I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। अरे करंट I जो आया I1 प्लस I2 एंड I3 में तीनों में डिवाइड होगा, ठीक है। अब मैं एक सेकेंड रिप्रेजेंटेशन बता दो इसका, ऐसा भी हो सकता है, देखो ये पहला था, ये फर्स्ट, सेकंड में यहाँ पे दिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो करंट ऐसे निकल रहा है, यहाँ पे निकल रहा है I1, यहाँ से निकल रहा है I2, यहाँ से निकल रहा है I3, तो मुझे बताओ कहाँ से निकल रहा है, आने वाला करंट कितना है। अरे भाई यहाँ पे आने वाला करंट I की वैल्यू कितनी है, 0 है ना। अरे सेकंड में देखो ना, करंट आने वाले करंट की वैल्यू, I की वैल्यू 0 है, तो मुझे बताओ I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू भी कितनी होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 की वैल्यू कितनी होने वाली है, 0
जीरो, और इसमें आई की वैल्यू कितनी होने वाली है, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, समझ में आ रहा है? इसको लिखो किरचॉफ करंट लॉ, इसको क्या बोलेंगे अपन, किरचॉफ करंट लॉ, आपके दिमाग में हमेशा बैठना चाहिए केसीएल, ठीक है? चलो आगे बढ़ते, फटाफट लिखो इसको, किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल, लिखते जाओ लिखते जाओ। ध्यान में रखना यहाँ पे सेकंड, इसमें आई वन आई टू आई थ्री, कोई आने वाला करंट ही नहीं, तो जाने वाला करंट भी कितना होगा, जीरो। तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री की वैल्यू जीरो होगी। अब ये जो है ये एक्सप्रेशन भी हम लोग यूज करने वाले, ये सेकंड जो मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये हम लोग यूज करने वाले जो डिफाइन नोडल एनालिसिस सेकंड मेथड, बहुत ही शॉर्टकट मेथड है गाइस, बहुत ही शॉर्टकट मेथड है, करंट में यूज करेंगे, कैपेसिटर में यूज करेंगे उस मेथड को, बहुत सारे जगह पे यूज करेंगे, ठीक है? किसी का माइक ऑन है गाइस, माइक बंद रखो, किसी का माइक गाइस ऑन है? अंश, अंश तेरा ऑन माइक ऑन है, अंश तेरा माइक ऑन है, ऑफ रख, ऑफ कर दिया था। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं है, पहले बताओ। कुछ नहीं था इसमें, कुछ नहीं था, देखो पहले कुछ नहीं है, अभी धीरे धीरे सब कुछ आएगा। देखो दो मेरे दो लेक्चर में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के दो लेक्चर में आप प्रो बन जाओगे, ठीक है? दो लेक्चर में प्रो बन जाओगे, एचआर के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ये था केसीएल, ये था अभी, अभी हम लोग लिखते केवीएल। अब देखो दो रूल है, किरचॉफ का करंट लॉ, दूसरा कौन सा बचा, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं लिखना है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या होता है, केवीएल क्या होता है। देखो केवीएल के लिए पहले मैं रूल बनाता हूं, गाइस सब लोग यहां पे देखो रूल, ठीक है? केवीएल के रूल, केवीएल अब तक डिफाइन नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? मैं यहां पे लिखता हूं केवीएल बेसिक थंब रूल, ठीक है? अब ये जो बेसिक थंब रूल है ना, उसके बाद हम लोग केवीएल को डिफाइन करेंगे, व्हाट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वो बाद में डिफाइन करेंगे। बेसिक थंब रूल यहां पे मैं दिखता हूं, वो सब लोग यहां पे देखो। अब यहां पे मैं जो लिख रहा हूं, यहां पे देखो सब लोग, ये मैंने क्या डिफाइन किया, मुझे होता बैटरी का सिंबल, पता है आपको ये होता है ना बैटरी का सिंबल, याद करो जरा, ये क्या होता है, ये क्या होता है बैटरी का, क्या होता है सिंबल, इसको हम लोग बोलते हैं बैटरी का सिंबल। ये हो गया वी वन, ये हो गया वी टू, ये हो गया आर वन, ये हो गया आर टू, ठीक है? अब पहले तो मुझे बताओ बैटरी के सिंबल में इसको हम लोग बोलते हैं प्लस और माइनस, इसको हम लोग बोलते हैं माइनस एंड प्लस। हम ईएमएफ को बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे, व्हाट इज एग्जैक्ट ईएमएफ, अभी के लिए जो अपनी बैटरी होती है जैसे पेंसिल सेल, ठीक है, 1.5 वोल्ट का पेंसिल सेल, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अवर सेल, पेंसिल सेल इज 1.5 वोल्ट। आपको पता है, और एक कलर की बैटरी होती है, पता है 9 वोल्ट की बैटरी होती है डब्बा टाइप, yes, तो डब्बा टाइप जो बैटरी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट डब्बा, मतलब 9 वोल्ट, वोल्ट की बैटरी 9.9 वोल्ट। आपके मोबाइल में कुछ कुछ बैटरीज होती है वो 3.7 वोल्ट की होती है, लिथियम आयन बैटरी, अलग अलग टाइप के बैटरीज होते हैं। अपन क्या अलग अलग टाइप के बैटरीज थोड़ी अपन उसको ड्रॉ करेंगे, जैसे अपन एसबीडी बनाते थे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, वैसे यहाँ पे बैटरी की एसबीडी बनाएंगे। तो बैटरी की एसबीडी मतलब क्या, बैटरी का सिंबल, देखो ऐसे वी वन वी टू। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ, मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखा, सब लोग यहाँ पे देखो, इसको मैंने यहाँ पे लिखा वी ए, इसको मैंने यहाँ पे लिखा वी बी। तो मुझे होता पहले वाले डायग्राम में हु इज ग्रेटर वी वन के इसमें, अरे भाई वी ए बड़ा है वी बी से, पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, वी ए बड़ा है वी बी से, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे बताओ मुझे, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, वी वन। अब मुझे बताओ सेकंड केस में कौन बड़ा है, अरे सेकंड केस में कौन बड़ा है, वी ए बड़ा है वी बी बड़ा है, वी बी, अरे वी बी बड़ा है क्योंकि प्लस ना, अरे बड़ा है। तो यहाँ पे मुझे बताओ सेकंड केस में हम लोग क्या लिखेंगे, सेकंड केस में सपोज मैंने लिखा वी बी माइनस वी ए की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, अरे वी बी माइनस वी ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, वी टू। लेकिन लेकिन तभी भी मुझे लिखना है वी ए माइनस वी बी, मुझे लिखना है वी ए माइनस वी बी, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, माइनस माइनस वी टू, माइनस वी टू, ठीक है? तो ये पहले तो मुझे होता है ये समझ में आ रहा है तुमको जो मैंने यहाँ पे बोला। अब सेकंड, कहीं सेकंड देखो, सेकंड डायग्राम देखो, सपोज यहाँ से जा रहा है करंट आई आई वन और यहाँ से करंट जा रहा है आई टू। अब मुझे बताओ क्या बचपन में पढ़ा है आपने, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, याद है कि नहीं है भाई, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल,
हायर पोटेंशियल से लोअर, जो बैटरी के प्लस से माइनस से करंट फ्लो होता है, पता है ना आपको, जब अपन बचपन में ऐसा प्लस माइनस बैटरी लेते हैं तो प्लस से माइनस में बाहर जाता है, ठीक है, तो करंट, ठीक है, करंट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम व्हाट, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट। तो अब मुझे एक बात बताओ, ओहम्स लॉ क्या था, व्हाट इज ओहम्स लॉ, क्या बताया था मैंने ओहम्स लॉ को भाई, जो ओहम्स लॉ होता है, ओहम्स लॉ को क्या बताया था मैंने, वी इज इक्वल टू क्या बताया था, आई आर, अरे वी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज वी, वी इज कॉल्ड व्हाट, मैं यहां पे लिख देता हूं गाइस, मैं यहां पे, सब लोग यहां पे देखो, वी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल, वी इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब मुझे यहां पे बताओ, जब मैं वी बोलूंगा यहां पे, इस केस में कौन बड़ा है यहां पे, ठीक है, वी ए बड़ा है वीबी से, तो मुझे बताओ जब मैं यहां पे लिखता हूं वी ए माइनस वीबी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे मैं क्या लिखूंगा, I1 क्या लिखूंगा, पॉजिटिव I1 R1 लिखूंगा ना मैं, क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू आयर, V इज वन पोटेंशियल डिफरेंस। देखो गाइस ध्यान में रखना, मैं यहां पे जो लिख रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है, जब मैं कोई रेजिस्टेंस यहां पे लिखता हूं, ये था मेरा रेजिस्टेंस, और जब मैं बोलता हूं रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज V, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज V, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, V इज इक्वल टू आई आर, जब मैं V लिखता हूं, दैट V इज नथिंग बट वॉट, That V is nothing but, ये potential इसका VA है, इसका potential VB है, तो V की value कितनी होती थी यहाँ पे, VA minus VB, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, is equal to I into R, ठीक है, ध्यान में रखना, current का direction देखो, current का direction किधर है, from A to B है, from A to B है, current का direction from A to B है, तो VA is greater than VB, VA is greater than VB, मुझे तो second में कौन बड़ा है, बताओ मुझे current का direction देखो कैसा है, करंट का डायरेक्शन यहाँ पे, आप लोग चैट पे रिप्लाई करो, चैट पे रिप्लाई करो, सब लोग बंद रखो अपना माइक, बंद रखो सब, माइक कोई नहीं करेगा, सब चैट पे रिप्लाई करो, मुझे बताओ सेकंड केस में करंट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ पे, बी टू ए, तो हु इज ग्रेटर, हु इज ग्रेटर, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू आई टू आर टू, बराबर, तो वी बी माइनस वी ए लिखूंगा मैं, नहीं लेकिन मुझे लिखना है वी ए माइनस वी बी, तो मुझे बताओ क्या लिखूंगा मैं, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, माइनस आई आर, हाँ तुम लोग मत बोलो भाई, इसमें लिखो, चैट पे लिखो, बोला ना मैंने, माइनस आई टू आर टू, यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि करंट मैंने आई टू लिखा, आर टू लिखा, ठीक है, यहाँ पे वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं, आई वन आर, ये रूल समझ में, कुछ थम रूल्स, देखो ये बेसिक थम रूल्स जो हम लोग कुछ कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में काम में आने वाले हैं, ठीक है, गाइस सबको समझ में आए, पहला वाला रूल क्या था, पहला वाला बताओ मुझे, बैटरी, अरे कोई भी बैटरी होगा, प्लस इज ऑलवेज ग्रेटर देन माइनस, राइट, सो पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी, तो पहले में क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वी वन, जब देखो अब जब मैं लिख नहीं रहा हूं ना, तो वीडियो को डबल टैप करो, वीडियो से देखो, जब मैं लिखता हूं तो आप स्क्रीन शेयरिंग से देख सकते हो, मतलब मेरा आवाज सुनेगा, और जब मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूं तो अब वीडियो को देखो, ठीक है, मतलब जूम का वीडियो, तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू होगी वी वन, सेकंड में क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू होगी माइनस वी टू, माइनस वी टू, ठीक है, सेकंड में क्या हो गया, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या होगी, आई वन आर वन, और इसमें क्या होगी, माइनस आई टू आर, समझ में आया, चलो इसको लिखो फटाफट, इसको लिखो गाइस, इसको लिख दो, तो जिनको फोन पे नहीं लिख रहा होगा तो गाइज अभी लैपटॉप वगैरह यूज करो या फिर कोई पीसी चालू करो, पीसी पे देखो वीडियो, फोन पे क्यों देख रहे हो वीडियो, पीसी पे बैठो, और केवीएल का फुल फॉर्म क्या होता है मुझे बता, केवीएल का फुल फॉर्म क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, केसीएल का फुल फॉर्म क्या है, किरचॉफ करंट लॉ, सो हम माई वी कैन राइट वीबी माइनस वी ए आई टू आर टू, लेकिन मुझे वी ए माइनस वीबी लिखना है, ठीक है, तो VA माइनस VB क्या होगा, माइनस I2 R2, पहले मुझे होता है जो प्लस एंड माइनस सिंबल है, जो माइनस सिंबल है वो समझ में है, मैंने क्या डाला इसमें, दोनों में देखो ऊपर और नीचे दोनों में माइनस सिंबल क्यों डाला, समझ में है, सब लोग को समझ में आया, देखो कोई भी किसी को भी यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, नहीं समझ में है तो बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, मैं बताऊंगा, सर
हाँ बोलो सर, मुझे केसीएल के सेकंड केस में डाउट है। हाँ क्या डाउट है सर? कैन यू शो दैट? हाँ पहले इधर पहले लिखने दोनों लोगों को। वो केसीएल के सेकंड केस अभी भूल जा ऋतुजा, अभी वो बाद में देखेंगे, हम ऑफ कर दे, वो जब काम में आएगा तब देखेंगे। हाँ ध्रुव तेरे को क्या नहीं समझ में तो ये रेजिस्टेंस का जो सेकंड केस पे आपने नेगेटिव डाला है वो ठीक से थोड़ा सा मुझे एक बात बता, करंट कहाँ से कहाँ पे आ रहा है बता मुझे। सेकंड केस में करंट कहाँ से, आई टू करंट कहाँ से कहाँ पे आ रहा है? वीबी से। वीबी से तो मैंने क्या बोला था, करंट ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम वेयर टू वेयर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल, ऐसा मत बोल, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हु इज हायर वीबी या वीए? वीबी। वीबी इधर क्या लिखा है मैंने? वीए। वीए वीए माइनस वीबी फिर निगेटिव आएगा ना आंसर। ओके तो इधर वीए माइनस वीबी माइनस आई टू आर, वीबी माइनस वीए। देखो कुछ लोग बोलेंगे सर मैं ऐसा लिखूंगा ना, वीबी माइनस वीए की वैल्यू क्या होगी? आई टू आर टू। तो ये सही है ना, ये भी सही है और ये भी सही है, समझे? यस सर मैथमेटिकली। अब सबको समझ में आया कि नहीं आया पहले वो बताओ भाई। सर समझा सर? हाँ सर, हम लोग सिर्फ वी ए माइनस वी बी क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वी बी माइनस बताऊंगा बताऊंगा, अभी तक आधा है, आधा अधूरा, अभी तक पढ़ाना बाकी है। अभी क्विकली आपको सब कुछ, अभी तक मैंने कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया। देखो ना ये सब एप्लीकेशन में काम में आने वाला है, थंब रूल मैंने बोला ना, ये रूल आपके दिमाग में रखना है। जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे ये सब कुछ अपने को काम में आने वाला है क्वेश्चन सॉल्विंग में। समझ में आया? अब समझ में नहीं आना आपको क्योंकि अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ बेसिक थंब रूल बताया जो आपको याद रखना है। अब इसमें ना कोई दिमाग लगाने की कोशिश मत करो, सिर्फ दिमाग में रखो। 15 मिनट्स में आपका समझ में आएगा, 15 मिनट्स में आपको हर एक चीज समझ में आएगी, आफ्टर 15 मिनट्स। अभी कुछ नहीं आएगा। आगे बढ़ू? अरे हाँ या ना बोलो, आगे बढ़ू? यस सर। ठीक है ठीक है। यस सर एक मिनट, अब यहाँ पे कोई किसी का बोल। हाँ हर्षल, वी हैव टू ऑलवेज टेक फर्स्ट पॉइंट, ठीक है? ओके सर। अब यहाँ पे देखो शुभम, वो बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट में मत घुस। अभी देखो मैंने क्या बोला आपको, मैंने क्या बोला यहाँ पे, सब लोग देखो, मैंने एकदम सिंपल सी चीज बोली। अब मैं एक वर्ड यूज करने वाला हूँ गाइस, मैं वापस वही चीज यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं एक वर्ड यूज करने वाला हूँ। अब जब एक बैटरी होती है, देखो एक बैटरी में ऐसे जब लिखता हूँ, प्लस एंड माइनस की बैटरी बोलते हम लोग, ठीक है? यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा, मैंने बोला ये बैटरी का जो पोटेंशियल है वो है वी वन, दिस वी वन इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। जब मैं V1 जो बैटरी के नीचे लेते हैं ना 1.5 वोल्ट लिखा रहता है या 10 वोल्ट लिखा रहता है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज नॉट पोटेंशियल, ठीक है? तो पोटेंशियल डिफरेंस ये अलग वर्ड है, पोटेंशियल अलग वर्ड है, ठीक है? सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? जब मैं लिखता हूँ VA और यहाँ पे लिखता हूँ VB, तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं लिखता हूँ VA माइनस VB तो क्या लिखूंगा मैं? व्हेन आई राइट VA माइनस VB इट इज गोइंग टू बी प्लस V1, बट व्हेन आई राइट VB माइनस VA इट इज व्हाट? जब मैं लिखता हूँ वीबी माइनस वी ए तो मैं क्या लिखूंगा इसको? माइनस वी वन। पहले मुझे होता है रूल समझ में है, रूल समझ में है, इतना रूल समझ में है। अब इसी को मैं एक वर्ड बोलूंगा ट्रैवल, ठीक है? अब म्यूट रहो भाई, मैं इसी में एक वर्ड यूज करूंगा, ट्रैवल करना। सो व्हेन आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम, ठीक है ध्यान में रखना, एक ट्रैवल। अब बोलूंगा सर ट्रैवल कहाँ पे कर रहे? अब ध्यान से सुनो, वर्ड यूज करना आपको है, ठीक है? When I'm traveling from A to B, देखो I am traveling from कहाँ से कहाँ पे? Left to right, from A to B. When I'm traveling from A to B, I'm going to write what? So I'm basically traveling from plus to minus. I'm going to write plus. तो देखो मैं जब यहाँ पे लिखता हूँ VA minus VB को क्या लिखूंगा मैं? Plus V1, ठीक है? So I'm basically traveling from plus to minus. I'm going to write plus V1, ठीक है? अब दूसरा रूल, ठीक है? Let's say अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ I'm traveling from, green में लिखता हूँ, देखो when I'm traveling from माइनस टू प्लस, तो मतलब मैं वीबी से वीए जा रहा हूं। सो आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लस माइनस टू प्लस, तो मतलब क्या? वीबी माइनस वीए को क्या लिखा मैंने यहाँ पे? क्या लिखा मैंने? माइनस V1, ठीक है? तो ये वर्ड में यूज करने वाला हूँ आगे के क्वेश्चन में, आपको 10 मिनट में क्लियर हो जाएगा, 10-15 मिनट के बाद क्लियर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखना प्लस को जा कैसे सकता है? अरे ये तुम अंदर मत घुसने, मैं वही बोल रहा हूँ ना, जा नहीं रहा ना, तुम थोड़ी ट्रेवल कर रहे हो अंदर, मैं बोल रहा हूँ आई एम ये वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है?
सो व्हेन आई एम ट्रैवलिंग फॉर, मैं ऐसा जब बोलूंगा आगे जाके, पर 10 मिनट के बाद मैं कुछ चीजें बोलने वाला हूँ, ठीक है, तो क्या बोलूंगा मैं, जब मैं ट्रैवल करूंगा बी टू ए तो मैं क्या लिखूंगा, माइनस, मतलब जब माइनस टू प्लस में ट्रैवल कर रहा हूं, देखो इधर से इधर जा रहा हूं तो माइनस लिखूंगा, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लस टू माइनस आई एम गोइंग टू राइट प्लस, इतना पहले मुझे होता, समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. अब सेम चीज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में देखो, रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये आर है, ये करंट आई है, ठीक है, चलो इसको मैं लिखता हूं सेम, अब सेम नोटेशन, सेम चीज देखो, अब मैं यहां पे ट्रैवल कहां से कर रहा हूं बताओ मुझे, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम, देखो आई एम ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देख रेजिस्टेंस में, अब बैटरी में तो प्लस माइनस वर्ड यूज करता हूं क्योंकि बैटरी का एक हायर पोटेंशियल एक लोअर पोटेंशियल है, प्लस माइनस है ना, रेजिस्टेंस में कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा मैं, रेजिस्टेंस में टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा मैं व्हेन आई एम ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो यहां पे करंट ऐसा जा रहा है और मे बी ट्रैवल ए टू बी जा रहा हूं, तो मैं ट्रैवल कर रहा हूं ए टू बी, करंट के डायरेक्शन में आई एम ट्रैवलिंग, सो व्हेन आई एम ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई एम गोइंग टू राइट व्हाट, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई एम गोइंग टू राइट व्हाट, प्लस आई आर, समझ में आ रहा है क्या, आई इंटू आर, ठीक है, जो मैंने अभी पढ़ा वही मैं अभी बता रहा हूं। अब यहां पे क्या कर रहा हूं, देखो यहां पे अब मैं ट्रैवल कर रहा हूं बी टू ए, अरे मैं ट्रैवल कर रहा हूं बी टू ए मतलब राइट टू लेफ्ट ट्रैवल कर रहा हूं, सो आई एम ट्रैवलिंग लाइक दिस एंड करंट ऐसे आ रहा है, मतलब आई एम ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, अरे भाई आई एम ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मैं क्या लिखूंगा बताओ मुझे, जब मैं वी बी माइनस वी ए करूंगा तो मुझे आंसर क्या होगा, मैं जा रहा हूं ए बी टू ए और करंट आ रहा है ऐसे, तो क्या पढ़ा अपन ने, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस आया, समझ में आ रहा है गाइस? Yes, sir. जो ये स्लाइड में मैंने लिखा वो सेम चीज जो मैंने यहाँ पे पढ़ाया वही थी, ये जो मैंने पढ़ाया वही तो मैंने यहाँ पे बताया, राइट? Yes, sir. बस मैंने वर्डिंग के साथ खेल रहा हूँ मैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ट्रैवल करना वगैरह क्यों वर्ड यूज कर रहे हो, इतने गंदे गंदे वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, यहाँ पे कहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, कोई तो यहाँ पे पूछा भी है, कौन था मुझे पता नहीं वो, ठीक है, जिन्हें बोलते कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं क्या बोलूंगा वर्ड में यूज करने वाला जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा, ठीक है, तो गाइस ध्यान में रखना, ऑलवेज रिमेंबर बैटरी में व्हेन आई ट्रैवल फ्रॉम प्लस टू माइनस आई राइट प्लस, इन बैटरी व्हेन आई ट्रैवल फ्रॉम माइनस टू प्लस आई राइट माइनस, रूल समझ में आया, ये बेसिक रूल डिफाइन हो गया। रेजिस्टेंस में व्हेन आई ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई राइट प्लस, व्हेन आई ट्रैवल इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट आई राइट माइनस, इतना समझ में आया मुझे बताओ पहले? Yes, देखो दिस इज नॉट किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ नहीं है गाइस ना, कुछ लोग बोलेंगे सर क्या किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, नहीं, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए कुछ बेसिक थंब रूल्स हम बना रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो इसको भी चाहिए तो लिख दो, लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें क्या लिखूंगा, हां बोलो बोल बोल सर, जो प्रीवियस स्लाइड में आपने दिखाया था सेकंड वाला रेजिस्टेंस का, उसमें आपने दिखाया कि VA माइनस VB माइनस I2R2 बराबर, उसमें तो यहाँ पे देख करंट कहाँ से कहाँ पे रहा, करंट की डायरेक्शन देख क्या है सर, करंट इज इन गोइंग इन द लेफ्ट साइड पे उसका डायरेक्शन है, हाँ तो मैं जा रहा हूँ कहाँ से कहाँ पे, देख यहाँ पे देख, मैं व्हेन आई एम गोइंग, देख यहाँ पे व्हेन आई एम ट्रैवलिंग इन द अपोजिट VA टू VB जा रहा हूँ ना मैं, so I'm traveling from A to B and current is coming in opposite, तो ही तो minus लिखा है मैंने, okay sir, हाँ understood, thank you sir, ठीक है, so when I travel in the opposite direction of current, always remember I'll write minus, when I'm traveling in the direction of current I'll write plus, समझे, in battery when I'll write from plus to minus, when I travel from plus to minus I'll write plus, and in battery when I'm traveling from minus to plus I'll write minus, समझे, ठीक है, आगे बढ़ेगा, आगे बढ़े, लिख के हो गया ये चीज, अब इसमें कुछ नहीं लिखना था, आगे बढ़ते गाइस, अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, नाउ लेट्स डिफाइन किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, हाँ किसी को लिखना था लिखो गाइस, किसी को लिखना था प्लीज लिखो, कलर कोड देखो, कलर कोड यहाँ पे ब्लू को फॉलो करना है, ग्रीन को ग्रीन में फॉलो करना है, ठीक है, आप मेरे को इस पे एक और इस पे ये दो कि मैंने रेज हैंड किया है, अब मेरे को ये दो कि माइक अनम्यूट कर, 30 तक लेक्चर है, क्या बोल रहा है,
दूसरे अकाउंट से मैंने लॉग इन किया, तो मेरे को ये था कि अनम्यूट का ऑप्शन। कौन है तू भाई, मतलब नाम क्या जरा, क्योंकि तूने सिर्फ नाम तो VP01 आर्यन चोड़न कर रिसेंट किया, हैंड रेज करके रखो। ठीक है एक मिनट रुको जरा, जिन लोग कुछ कुछ लोग और हैंड रेज है उनको भी देता हूँ। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सब, जिंदगी सही है तुम्हारी सबकी? देखो अभी बोलो मत, बोलो मत, क्योंकि अभी सब लोग बोलेंगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ पहले, लेकिन सब कुछ अभी समझ में आ रहा है? इतना जो पढ़ा है अब तक समझ में आया है क्या तुमको? अभी कंफ्यूजन और दूर हो जाएगा, कंफ्यूजन और दूर हो जाएगा, ठीक है? हाँ कंफ्यूजन और दूर हो जाएगा, टेंशन मत लो। जरा एक मिनट यार, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज करके रखा है यार, परेशान कर दिया तुमने। ठीक है चलो, अब यहाँ पे देखो। हाँ अब सब लोग देखो, अभी हम लोग देखते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ करंट लॉ तो सबको समझ में आ गया, करंट आया आई इधर गया, आई वन आई टू आई थ्री, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, सबको समझ में आया। ठीक है अब यहाँ पे सब लोग देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL। ठीक है आपको लिखना है तो पूरा का पूरा स्पेलिंग लिख दो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मैं थोड़ा सा आलसी हूं तो मैं KVL लिखूंगा। अब यहाँ पे देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, एकदम सिंपल होता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ पता है आपको? मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको ना 1.5 वोल्ट का एक पेंसिल सेल दिया, क्योंकि अभी नेचुरल एग्जांपल है, 1.5 वोल्ट का मैंने आपको एक पेंसिल सेल दिया। मुझे बताओ 1.5 वोल्ट का जो पेंसिल सेल है उसके आपको मतलब तीन पेंसिल सेल दिया और मैंने बोला चलो 4.5 वोल्ट बनाओ, क्या करते थे आप याद करो जरा? अरे क्या करते थे, एक के पीछे एक लगाते थे, अरे एक के पीछे एक लगाते थे। ठीक है तो एक एक लेंगे, दूसरा लगाएंगे, उसके पीछे तीसरा लगाएंगे, एक से पीछे एक लगाएंगे, तीन लगाएंगे, तो तीन पेंसिल से इसके नीचे एक लग गए। ठीक है तो क्या हो गया, 4.5 वोल्ट हो गया। अरे मतलब हम लोग क्या करते थे याद करो जरा, हम लोग क्या करते थे, ये एक पेंसिल सेल था 1.5 वोल्ट का। अब मैं क्या किया, मैंने सिंबल यूज किया, अब मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ, मैंने एक दूसरा पेंसिल सेल दिया 1.5 वोल्ट का, मैंने तीसरा सेल एक के पीछे एक लगा दिया, बराबर ना? तो मेरा जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मुझे बताओ VA लिखूंगा और VB लिखूंगा, तो मुझे बताओ VA माइनस VB कितना होगा? अरे VA माइनस VB यहाँ पे कितना हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 कितना हुआ 4.5। अरे चैट पे लिखो 4.5 वोल्ट हो गया। इसका मतलब आपने क्या किया गाइस, इसका मतलब पता है आपने क्या किया? अब मैं एक काम करता हूं, इसको मैंने VC किया, इसको मैंने VD किया, तो मैंने VA माइनस VD की वैल्यू क्या लिखी, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VB, राइट? अब ये जो मैंने लिखा है ना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, तो अब मैं बाद में मेरे क्वेश्चन में बोलने वाला हूं, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम A टू B, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम कहां से कहां पे बताओ मुझे, A टू B, व्हेन आई वांट टू ट्रैवल फ्रॉम A टू B, आई हैव टू ट्रैवल फ्रॉम कहां से कहां पे, VA टू VC। अब आपको समझ में आ रहा है VC टू VD एंड VD टू VB, आपको समझ में आ रहा है क्या? सो VA माइनस VB इज नथिंग बट व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज नथिंग बट VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VB, बकवास वाली चीज थी। आपको पता है ये डायरेक्टली कितना हुआ, ये इसकी वैल्यू VA माइनस VB की वैल्यू निकालनी है तो 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 4.5 वोल्ट, राइट? तो ये मेरा आंसर 4.5 वोल्ट आ गया था, राइट? तो ये जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नथिंग बट व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस सम ऑफ पोटेंशियल ऑफ ए टू सी, सी टू डी, डी टू बी, ऐसे हो गया। जितने भी अंदर पॉइंट होंगे, अभी ऐसे 10 पॉइंट होंगे तो 10 बार लिखो, समझे कि नहीं समझे पहले वो बताओ गाइस। समझ गया सर। यस सर। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये एक्सप्रेशन इज कॉल्ड किरचॉफ वोल्टेज लॉ, समझे? जो मैं बॉक्स करके जो बना के जो एक्सप्रेशन बना के जो एक्सप्रेशन लिखा है, दैट इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है
अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछता हूँ, आप मुझे बताओ कितना होगा, ठीक है? अरे लिखने दो, नहीं कोने में आयुष, कौन आयुष, आयुष देंगा ना लिखने को, तुम टेंशन क्यों लेते, थोड़ा सा अभी लेक्चर खत्म हो गया था ना, देखो इसको किरचॉफ वोल्टेज, देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, और गाइज अभी हम लोग थोड़ा सा ना मैकेनिकल वे में पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल वे मतलब क्या, मेथोडिकल वे में, ये आपको पता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा फील कब होगा, मतलब पोटेंशियल एक टर्म भी आपको फील करना है, फिर आपको पोटेंशियल डिफरेंस एक टर्म फील करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब कुछ कब फील होगा पता है, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, तो मैंने बोला ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंबाइन करूंगा बाद में, अभी नहीं, अभी आपको थोड़ा सा बचपन वाले मेथड में पढ़ना है, अपने को अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा अभी चीजों को ना एकदम भावनाओं को अपना कंट्रोल में रखो अभी, ठीक है, एकदम फील मत करो, लिखे लिखे गाइस हो गया अपना, आगे बढ़े, यस, इसमें भी कुछ था नहीं, अब यहाँ पे देखो गाइस, अब यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे देखो, केवीएल लगाओ, केवीएल लगाओ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ, और मुझे बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, मैं अभी कुछ बैटरीज दे रहा हूँ, इतने सारे बैटरीज लगा दिए मैंने, अब गाइस ध्यान में रखना, ठीक है, अब मुझे निकालना है VA, ये VA है और ये VB है, फाइंड VA माइनस VB, बताओ व्हाट इज VA माइनस VB क्या होगा, और इस पॉइंट को मैं लिखता हूं C, इस पॉइंट को मैं लिखता हूं D, इस पॉइंट को मैं लिखता हूं E, राइट किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर, राइट किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, और फिर इसका आंसर निकालो कि व्हाट इज VA माइनस VB, VA माइनस VB की वैल्यू कितनी होगी, ये मैंने पूछा हुआ है सर, VD और VE का वो क्या, VD VE का बैटरी आपने उल्टा लगा दिया, नहीं वो सही है, नहीं तो नहीं, नहीं मैंने लगाया, मैंने वो क्वेश्चन दिया ना, मेरा वो क्वेश्चन है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है, मुझे आंसर चाहिए, गलतियां मत करो, गलतियां मत करो भाई, गलतियां मत करो, और तुम लोग शॉर्टकट वे में मत जाओ भाई, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिख के करो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिख के इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, फाइंड VA माइनस VB, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, और गाइस ये माइनस प्लस ध्यान से देखो, 8 वोल्ट बैटरी का माइनस प्लस ध्यान से देखो, आप लोग गलती कर रहे हो बहुत सारे लोग, कुछ कुछ लोग मतलब, ठीक है, तो पहले तो मुझे तो VA माइनस VB क्या लिखोगे, सब लोग यहां पे देखो VA माइनस VB क्या लिखेंगे, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VD प्लस VD माइनस VE, ठीक है, प्लस VE माइनस VB, मुझे बताओ पहले तो ये सही है कि नहीं है, अरे भाई ये सही है कि नहीं है, ठीक है, अब ये सही होने के बाद अब मैं क्या करता हूं, पहले तुम मतलब मैं उसके बाद ना एक रूल बनाऊंगा, एक रूल बनाऊंगा, अब ये जो है ना मैं पूरा का पूरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ को समझने के लिए लिख रहा हूं, इसके बाद कभी हमें लिखेंगे नहीं, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL, ठीक है, तो अब मुझे बताओ व्हाट इज VA माइनस VC, क्या दिख रहा है VA माइनस VC, अरे जब VA माइनस VC लिखता हूं मैं अपना रूल देखो ना, रूल, अरे याद करोगे अपना रूल, याद करो VA माइनस VB प्लस V1, VA माइनस, जब माइनस टू प्लस जाता हो तो माइनस V2 होता है, राइट, देखो ना यहाँ पे रूल में, तो मुझे बताओ कहाँ पे प्लस लिखोगे, कहाँ पे माइनस लिखोगे, यहाँ पे रूल याद करो अपने रूल, VA माइनस VC को क्या लिखेंगे, 5 वोल्ट,
ठीक है, क्योंकि प्लस टू माइनस जा रहा है। वीसी माइनस वीडी को क्या लिखेंगे, वीसी माइनस वीडी को बताओ मुझे, इधर भी प्लस टू माइनस जा रहा है तो प्लस टू वोल्ट, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब वीडी माइनस वी को क्या लिखेंगे बताओ मुझे, अरे वीडी माइनस वी को क्या लिखेंगे, माइनस एट, माइनस एट। अब ये समझ में आ रहा है मैंने माइनस क्यों लिखा, नहीं समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे वीडी माइनस वी को मैं माइनस टू प्लस जा रहा हूं, ठीक है। अब वी माइनस वीबी को क्या जा रहा हूं मैं बताओ, वी माइनस वीबी को प्लस फोर वोल्ट, ठीक है, अब प्लस फोर वोल्ट। अब मुझे बताओ यहाँ पे आंसर कितना आया, फाइव प्लस टू सेवन, सेवन माइनस एट माइनस वन, तो थ्री वोल्ट। आंसर कितना आया गाइस, थ्री वोल्ट। तो वी माइनस वीबी की वैल्यू कितनी आई, थ्री वोल्ट। समझे कि नहीं समझे गाइस, सब लोग समझे कि नहीं समझे? समझा सर, ठीक है। अब इसी में गाइस, इसी क्वेश्चन को फास्ट करना है तो अब मैं यहाँ पे ट्रैवल करके वर्ड यूज करूंगा, ठीक है। सो व्हेन आई वांट टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, सो बेसिकली मैं बताओ मैं कहां से कहां पे ट्रैवल करने वाला हूं, बताओ ए टू बी में ट्रैवल करने वाला हूं। जब मैं ए टू बी में ट्रैवल करता हूं तो आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू सी, जब मैं ए टू सी में ट्रैवल करता हूं तो मुझे तो मैं प्लस टू माइनस ट्रैवल कर रहा हूं, प्लस टू माइनस गाइस क्या लिखता हूं मैं, प्लस टू माइनस ट्रैवल करता हूं। फिर यहाँ पे मैं प्लस टू माइनस ट्रैवल करूंगा तो आई विल राइट प्लस फाइव, फिर मैं यहाँ पे प्लस टू माइनस और ट्रैवल करूंगा तो मैं यहाँ पे लाऊंगा प्लस टू, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ बताओ मुझे, इधर से इधर माइनस टू प्लस, व्हेन आई ट्रैवल फ्रॉम माइनस टू प्लस आई विल राइट माइनस एट, और फिर मैं ट्रैवल करूंगा इधर से इधर तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा प्लस फोर, तो आंसर कितना आया थ्री। तो अब मैं बाद में कुछ टाइम के बाद मैं डायरेक्टली वी ए माइनस वी बी ऐसे लिखने वाला हूँ, समझ में आ रहा है? मैं ट्रैवल करके वर्ड यूज करूंगा, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी, सो व्हेन आई ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी आई विल ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी देन सी टू डी देन डी टू ई देन ए टू बी, सिंपल। सो व्हेन आई एम ट्रैवलिंग अक्रॉस बैटरी, व्हेन आई एम ट्रैवलिंग प्लस टू माइनस आई विल राइट प्लस, अक्रॉस बैटरी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम माइनस टू प्लस आई विल राइट माइनस, समझ में आया गाइस? यस सर, गॉट इट, यस सर। चलो मतलब रूल समझ में आया ना, रूल समझ में आया, चलो ठीक है, आगे बढ़े हम लोग गाइस, आगे बढ़े। यस सर, यस चलो yeah. अब आगे बढ़ते, अब थोड़ा सा गाइस, थोड़ा सा एक सेकंड, अब केवीएल ना, अब केवीएल, ठीक है। मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ, ये एग्जांपल लेट्स से मैं इसको लिखता हूँ एग्जांपल वन, अब मैं एग्जांपल टू देता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो एग्जांपल टू, ये सपोज एक 4 ओम है, ठीक है, 8 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी है और लेट्स से 2 ओम है और एक करंट जा रहा है, देखो यहां पे करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, लेट्स से करंट जा रहा है, करंट की वैल्यू मैंने यहां पे लिखी है, करंट जा रहा है लेट्स से 2 एम्पियर, ये करंट जा रहा है लेट्स से 2 एम्पियर, मतलब एक ही एम्पियर करंट जा रहा है, देखो ना यहाँ पे ये करंट जा रहा है 2 एम्पियर, समझ में आ रहा है ना? मतलब अरे करंट गायब थोड़ी होगा, एक 2 एम्पियर जा रहा है 2 एम्पियर जाते रहेगा, थोड़ी सा ऐसा होगा कि 2 एम्पियर गया आधे में ही खराब हो गया कुछ और 1 एम्पियर गया आगे, ऐसा तो होता नहीं है, एक ही पाथ है, करंट जा रहा है भाई, चार्ज जा रहा है तो उसी पाथ में जाता रहेगा, गायब थोड़ी होने वाला है वो चार्ज, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ, किसी ने बोला कि इसको मैं लिखूंगा वी ए, इसको मैं लिखूंगा वी बी, तो मुझे पहले तो बताओ व्हाट इज वी ए माइनस वी बी, बताओ किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाओ जरा। अब इसको मैं लिखता हूँ सी, इसको मैं लिखता हूँ डी, इसको मैं लिखता हूं सपोज ई, तो क्या लिखेंगे अपन, व्हाट इज वी ए माइनस वी बी अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, पहले आप लोग बताओ, चलो आप लोग बताओ मुझे। अब दोनों रूल यूज करने हैं, दोनों रूल यूज करने हैं, ठीक है। व्हाट इज वी ए माइनस वी बी इस केस में, व्हाट इज वी ए माइनस वी बी, आप लोग कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा आंसर, फिर मैं बताता हूं, देखते कि कौन सही करता है। और गलतियां मत करो, तुम लोग गलतियां बहुत करते हो गाइस, तुम गलतियां बहुत करते हो, डोंट डू मिस्टेक्स, मिस्टेक्स नहीं करने हैं। अब धीरे 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 हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे भी जाएंगे, धीरे धीरे मैं आपको लेके जा रहा हूं गाइस। कुछ लोग आप में से होंगे उनको थोड़ा सा स्लो लगा होगा लेक्चर, स्लो लगने दो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट टू लेक्चर्स में हम थोड़ा सा बिल्डअप करेंगे आपके कॉन्सेप्ट, और 12th का स्टार्ट है, तो मजा करते करते जाएंगे गाइस। सर 12th 11th से इजी होता है क्या? क्या होता है
12th 11th से इजी होता है क्या मतलब आप बोर्ड में मजाक करते जाएंगे? हाँ नहीं अभी मजाक मतलब थोड़ा सा मैं इजी करूंगा अभी आपके लिए क्योंकि बहुत सारे वाइवा लेने के बाद भी मुझे भी थोड़ा सा एहसास हुआ कि थोड़ा और इजी करके पढ़ाना चाहिए आप लोग को। ठीक है और गाइस एक चीज दिमाग में रखनी है आप लोग को सब लोग को गाइस एक चीज दिमाग में रखनी है कि मतलब जिन लोग को वीडियो नहीं दिख रहा है जो लोग सिर्फ स्क्रीन शेयरिंग से देख रहे हैं तो कभी कभी स्क्रीन शेयरिंग बोरिंग हो जाता है। ठीक है तो जिन लोग का मोबाइल वगैरह था मैं तो आज देख ही लूंगा कि मोबाइल वाला क्या पंगा है वीडियो क्यों नहीं दिख रहा है झूम ने क्या किया है सब चीज ठीक है वो मैं देख लेता हूँ लेकिन आप लोग तब तक लैपटॉप यूज करो या पीसी यूज करो आपको क्यों मोबाइल पे ही देखना है। चलो अभी यहाँ पे पहले तो मुझे बताओ ये देखो देखो सब लोग यहाँ पे देखो पहले सब लोग यहाँ पे देखो वी ए माइनस वीबी की वैल्यू क्या होगी वी ए माइनस पीसी प्लस वीसी माइनस वीडी। देखो किरचॉफ वोल्टेज लॉ पहले तो लिख देते भाई फिर मैं बाद में लिखूंगा नहीं अभी ये अभी लास्ट वाला है वीडी माइनस वीबी वीई माइनस वीबी इतना बड़ा बड़ा मैं लिखूंगा नहीं वापस। ठीक है तो वी ए माइनस वीबी की वैल्यू हो गई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो गया वी ए माइनस पीसी। अब मुझे तो व्हाट इज वी ए माइनस वीसी थोड़ा सा याद करो व्हेन आई एम ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देखो करंट ऐसे ही जा रहा है व्हेन आई एम ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई विल राइट प्लस करंट मैं जा रहा हूं ऐसे करंट जा रहा है ऐसे तो आई विल राइट व्हाट माइनस बराबर। अब मुझे तो इस क्वेश्चन में वी ए टू वी सी आई वॉन्ट टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी लेकिन ट्रेवल करते करते मुझे ए टू सी जाना है तो मुझे बताओ मैं ए टू सी जब जाता हूँ वी ए टू वी सी आई एम ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट तो प्लस लिखूंगा या माइनस लिखूंगा I into R, that is 2 into 4, IR, plus लिखूंगा मैं, बिल्कुल, C to D जा रहा हूँ, अब मुझे तो C to D जा रहा है, करंट का कुछ फर्क ही नहीं है यहाँ पे क्योंकि बैटरी के अक्रॉस जा रहा है, बैटरी में कहाँ पे जा रहा हूँ मैं प्लस टू माइनस, बैटरी के अक्रॉस प्लस टू माइनस जाता हूँ तो प्लस लिखता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 8, ठीक है, ये IR है, ये प्लस 8 है, यहाँ पे मुझे बताओ VD to V, अब बैटरी के अक्रॉस जा रहा हूँ मैं माइनस टू प्लस, देखो अरे बैटरी में जब माइनस टू प्लस जाता हूं तो क्या लिखता हूं मैं गाइस अरे क्या लिखता हूं माइनस टू प्लस में क्या लिखता हूं बैटरी में माइनस टू प्लस जा रहा हूं तो क्या लिखूंगा माइनस। ठीक है अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज्ड कुछ लोग बोलेंगे अरे सर यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देखो करंट तो ऐसे ही जा रहा है। देखो जब बैटरी देखते हैं ना बैटरी तो सिर्फ बैटरी देखने की उसमें करंट आए जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता बैटरी में कुछ नहीं फर्क पड़ता। ठीक है कुछ लोग सर बोलते सर मतलब आप में से कुछ लोग बोलेंगे सर बैटरी में कैसे करंट आ सकता है जा सकता है वो बाद में देखेंगे अभी यहाँ पे देखो अब मुझे होता है रूल के हिसाब से आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम जब मैं ई टू बी जाता हूं आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम इन डायरेक्शन ऑफ करंट तो क्या लिखूंगा मैं प्लस टू इंटू टू मुझे होता है इतना ये समझ में आया क्या जो मैंने लिखा है यहाँ पे समझ में आया सर। हाँ बोलो सर एक डाउट है सर वीसी के राइट में प्लस है तो लॉजिकली वीए के साइड में मतलब लेफ्ट में तो माइनस आएगा राइट तो माइनस टू प्लस जाएगा किधर सर फॉर वीए एंड वीसी वीए वीए एंड वीसी सर स्टार्टिंग का अरे वो तो रेजिस्टेंस है ना सर गॉट इट सर वो तो आईआर से हो जाएगा तुम अपना अपना देखो क्वेश्चन में खुद ही पहले अपने खुद के खुद को ही पूछ के उसका आंसर ढूंढ लेने का। ठीक है तो 2 इंटू 4 कितना हुआ 8 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 4 आंसर कितना हुआ यहाँ पे 18 वोल्ट कितना आया आंसर 18 वोल्ट समझ में आ रहा है गाइस 18 वोल्ट समझ में आ रहा है आंसर अरे भाई समझ में आ रहा है क्या yes, ठीक है yes, और अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात मुझे बताओ गाइस गाइस कुछ लोग का एक क्वेश्चन होगा सब लोग देखो कुछ लोग का एक क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन को मैं आंसर दूंगा कभी भी जब रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टेंस मैं वापस बोलता हूँ रेजिस्टेंस में क्या होता है करंट ऐसे जा रहा है रेजिस्टेंस ऐसे है तो मैंने क्या बोला जब मैं रेजिस्टेंस के साथ में जाता हूँ व्हेन आई एम ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आई एम गोइंग टू राइट व्हाट प्लस व्हेन आई एम गोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट करंट ऐसे जा रहा है मैं ऐसे से ऐसे ट्रेवल करो तो क्या पे लिखूंगा मैं यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे सीधा आई इंटू आर ही होगा जो भी होगा आइदर प्लस आई आर होगा नहीं तो माइनस आई आर होगा राइट
हाँ, अब बैटरी एक रूल दिमाग में डाल दो, बैटरी में ये प्लस है माइनस है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर बैटरी में तो करंट अंदर भी घुस सकता है, सपोज करंट ऐसे जा रहा है, तो मुझे होता करंट के डायरेक्शन में कुछ फर्क पड़ता है क्या बैटरी में? मुझे होता बैटरी में बैटरी का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। देखो यहाँ पे बैटरी सपोज 8 वोल्ट की है, करंट ऐसे जाए या करंट ऐसे जाए, जब मैं जाऊंगा ए टू बी, जब मैं जाऊंगा ए टू बी, हम लोग किसका सिर्फ देखते हैं, किसको देखते हैं सिर्फ? देखो बैटरी में करंट आए या जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता, बैटरी से करंट निकल रहा है, बैटरी के अंदर करंट घुस रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपने को करंट का डायरेक्शन देखना ही नहीं, अपने को किसका डायरेक्शन देखना होता है हमेशा? बैटरी में प्लस टू माइनस जा रहा है प्लस लिखो, बैटरी में माइनस टू प्लस जा रहा है माइनस लिखो। समझे नहीं? समझ में आ रहा है? तो बैटरी में से प्लस माइनस बैटरी का देखने का, ये दो चीजें जो है वो दिमाग में रखनी है हमेशा, ठीक है? अब मैं एक इन जनरल रूल बनाता हूँ गाइस, एक इन जनरल रूल बनाता हूँ, सब लोग यहाँ पे देखो, एक इन जनरल रूल, ये रेजिस्टेंस है। अब मैं ऐसे का ऐसे लिखूंगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे ऐसे रखूंगा मैं, ये ऐसे रखूंगा मैं, ये एक रूल बनाया मैंने, अब एक रूल बनाने वाला हूं मैं, ठीक है? अब ऐसा पकड़ लो कि यहां से एक करंट आ रहा है आई वन, देखो ना अभी डायरेक्शन देखो, यहां से करंट आ रहा है आई टू, देखो कहां से आ रहा है, तो मुझे होता है यहां से आई वन आया, यहां से आई टू आया, क्या होगा? थोड़ा किरचॉफ करंट लॉ लगाओ, आई वन एंड आई टू दोनों मिलके क्या जाएगा? अरे आई वन आएगा, आई टू आएगा, दोनों मिलके क्या जाएगा? आई वन प्लस, यस आई वन प्लस आई टू, यहां पे जाएगा आई वन प्लस आई टू। और खास करके तुम लोग, मैं वापस बोल रहा हूँ, चैट पे लिखा करो, ठीक है? आई वन प्लस आई टू जाएगा, आई वन इधर से आया, आई टू इधर से आया, इधर बना आई वन प्लस आई टू, ठीक है? अब इसका रेजिस्टेंस मैंने पकड़ा आर वन, इसकी बैटरी पकड़ी वी वन, इसकी बैटरी पकड़ी वी टू, इसका रेजिस्टेंस पकड़ा आर टू, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा सा किरचॉफ वोल्टेज लॉ लिखते हैं, ये एक बेसिक रूल है। ये सपोज मैंने लिखा वी ए, इसको मैंने लिखा वी बी, इसको मैंने लिखा वी सी, वी डी, वी ई। तो आपके हिसाब से, आप लोग के हिसाब से व्हाट इज वी ए माइनस वी बी? ये जो वी ए माइनस वी बी होगा वो होगा वी ए माइनस वी सी, ठीक है, प्लस वी सी माइनस वी डी, प्लस वी डी माइनस वी ई, प्लस वी ई माइनस वी बी। बताओ मुझे, इतना पहले तो मैंने लिखा वो समझ में आ रहा है? This is called Kirchhoff voltage law, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब Kirchhoff voltage law के thumb rules लगाओ यहाँ पे, ठीक है? So basically मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे बताओ, I want to travel from A to B, how will I travel? So when I want to travel from A to B, how will I travel? कैसे travel करूँगा मैं? A to C, ठीक है? देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं A to C, ठीक है? मैं A to C travel करता हूँ। मुझे बताओ travel कैसे कर रहा हूँ मैं? Current के direction में, current के opposite direction में? अरे कैसे travel कर रहा हूँ मैं? I am traveling in the direction of current. क्या लिखूंगा मैं? When I'm traveling in the direction of current, I will write plus I1R1. तो यहाँ पे लिखूंगा plus I1R1, ठीक है, plus sign. अब मुझे बताओ जब मैं जाऊंगा C to D, अब देखो बैटरी आ गई, बैटरी आ गई, बैटरी में कुछ देखना होता है करंट जा रहा है आ रहा है, कुछ फर्क पड़ता है बैटरी में? बैटरी में कुछ नहीं देखने का, बैटरी में क्या देखने का? प्लस टू माइनस जा रहा हूँ। देखो वेन एम ट्रेवलिंग फ्रॉम सी टू डी, मैं प्लस टू माइनस ट्रेवल कर रहा हूँ, सीधा प्लस वी वन लिख दो, कोई दिक्कत? अरे अभी कोई दिक्कत है क्या? प्लस वी वन। अब यहाँ पे देखो बैटरी में, यहाँ पे सेकंड बैटरी में क्या है, मैं डी टू ई जा रहा हूँ, डी टू ई जा रहा हूँ, लेकिन माइनस टू प्लस जा रहा हूँ। अब मुझे होता है बैटरी में माइनस टू प्लस जा रहा हूँ, मैं ट्रैवल ऐसे कर रहा हूँ, जा रहा हूँ माइनस टू प्लस, क्या लिखूंगा बैटरी में? अरे बैटरी में क्या लिखूंगा मैं? बिल्कुल माइनस वी टू, क्या लिखूंगा मैं? माइनस वी टू। और मुझे बताओ जब मैं यहाँ पे जाऊंगा, अब मुझे बताओ, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया, अब मैं जा रहा हूँ ऐसे, करंट आ रहा है उल्टा, क्या लिखेंगे? प्लस या माइनस? अरे प्लस या माइनस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? माइनस लिखेंगे। क्यों माइनस लिखेंगे? क्योंकि मैं जा रहा हूं ऐसे, करंट आ रहा है उल्टा, क्या लिखेंगे? माइनस आई टू आर टू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, यस सर। हाँ, ये हो गया मेरा क्या, ये हो गया मेरा वी ए माइनस वी बी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, समझे? अब मैं एक यहाँ पे एक और चीज करता हूं, लेट्स से अब एक वर्ड है इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट करना। क्या करना? नहीं, शॉर्ट करना। शॉर्ट मतलब क्या? शॉर्ट का मतलब होता है SHORT, शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है, पता है आपने कहीं भी आपको एक प्लग दिखेगा, उसके अंदर जाकर वायर घुसा हुआ था, स्पार्क आता है, देखा है?
क्यों? शॉर्ट का मतलब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अच्छे से देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम अच्छे से देखेंगे अर्थिंग, शॉर्ट करना क्या होता है, दो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, दो पोटेंशियल को अपन ने एक ही करने की कोशिश की, इसको बोलते हैं शॉर्ट करना। शॉर्ट करना मतलब एक सिंपली वायर डाल देना। देखो मैंने क्या किया, बी एन ए इसके अंदर एक सिंपली ऐसे वायर डाल दी, देखो यहाँ पे ग्रीन कलर की वायर डाल दी, देखो यहाँ एक वायर डाल दी, इसका मतलब मैंने क्या किया, वी एन वी बी को क्या कर दिया, दो पॉइंट को क्या कर दिया मैंने, सेम। अरे वी एन वी बी दोनों पॉइंट को क्या कर दिया मैंने, अरे दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दिया एक वायर से, इसके अंदर कोई रेजिस्टेंस है क्या, नहीं है, मतलब मैंने डायरेक्टली सेम कर दिया। तो मुझे इसका मतलब वी ए माइनस वी बी की वैल्यू मैंने क्या कर दी गई, अरे वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या कर दी मैंने, वी ए एंड वी बी को शॉर्ट करना इसका मतलब होता है वी एन वी बी का पोटेंशियल सेम करना, समझे। तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू क्या कर दी, जीरो कर दी मैंने, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, मुझे तो ट्रैवल कैसे कर रहा हूं मैं, बताओ मुझे ट्रैवल कैसे कर रहा हूं मैं, ट्रैवल कैसे कर रहा हूं मैं, ऐसे इधर से निकला, आगे गया ट्रैवल किया इधर तक ट्रैवल किया, वापस ग्रीन कलर से ऐसे करके वापस इसी पॉइंट पे आया, क्या बन गई गाइस, ये क्या बन गई, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये क्या बन गई यहाँ पे पूरी की पूरी, नहीं बाईपास, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या बन गई, लूप बन गई, बराबर, लूप एक साइकिल बन गया, लूप बन गया, मेश बन गया, अलग अलग वर्ड है मेश लूप अलग अलग, एक लूप बन गया। तो एक पॉइंट से निकल के पूरा लूप में घूम के वापस उधर ही आओ, इक्वल टू क्या करो, जीरो। इस चीज को, ये जीरो वाला जो चीज है, मैं इसे ग्रीन कलर में लिखता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन अ लूप, ठीक है, मेथड, ठीक है, एक मेथड बन गई मेरी क्वेश्चन सॉल्व करने की, जिससे अपन बहुत सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं। किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन अ लूप मेथड, मतलब ये बेसिकली मेश एनालिसिस भी बोलते हैं इसको, कुछ लोग मेश एनालिसिस, लूप एनालिसिस, समझ में आ रहा है, मतलब एक पॉइंट से निकल के पूरा का पूरा ट्रेवल करके वापस उधर ही पहुंचो, समझे गाइस। सर यानी अपन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके उनका वोल्टेज सेम कर रहे और उनको शॉर्ट कर रहे, तो ये इक्वेशन आएगी, बराबर इक्वल टू जीरो इक्वेशन आएगा, ठीक है। हाँ, अभी आई वन प्लस आई टू कहां पे गए वो छोड़ दो, वो ये जो अब कुछ लोग बोलेंगे सर आई वन प्लस इधर से आई वन आ रहा था, इधर से आई टू आ रहा था, कुछ आई वन प्लस आई टू इधर जा रहा था, उसका क्या हुआ, अरे वो मैंने ऐसे लिखने के लिए लिखा है, अब उसको छोड़ दो, अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तुमको समझ में आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझ में आएगा तुमको, पहले मुझे होता है इक्वेशन समझ में, मैंने क्यों लिखा कैसे लिखा समझ में आया, हाँ सर। तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये और कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, अभी थोड़ा सा आपको ना और सब्र करना है, थोड़ा सा रुको जरा, ठीक है सर, एक डाउट है, ठीक है इसको, हाँ बोलो सर, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंसेस इक्वल कर रहे हैं तो करंट फ्लो ही नहीं होगा ना, अरे वो सब मत सोचो, मैं वही बोल रहा हूँ ना, अब उसके डेप्थ में मत घुसो, ओके, एक मेथड बना रहे थे हम लोग, एक मेथड बना रहे थे, यहाँ पे शायद से करंट आई वन आई टू जो ऐसा आ रहा होगा वो आ ही नहीं सकता या क्या है वो, अभी अभी छोड़ दो, अभी के लिए छोड़ दो, कुछ लोग बोलेंगे सर करंट आई वन इधर से आ रहा है आई टू इधर से आ रहा, तो आई वन आई टू तो सेम होना चाहिए, कैसे जा सकता है, नहीं मैंने क्या बोला, जो अभी मैंने लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये किया है, राइट, ओके सर, हाँ, ये सर्किट पॉसिबल है क्या, वो नहीं पॉसिबल है, मैंने क्या बोला, एक मेथड मैंने बनाया, उस मेथड को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, अरे ब्रेक कर, ए कर लो, किसी का तो कुछ, किसी का तो माइक चालू है भाई, किसका माइक चालू है, यस सोनाव ने माइक बंद कर लो भाई, श्रेया अभी तू देख ले बाद में, अभी वो रिपीट मतलब में अभी जिनका कुछ इसका प्रॉब्लम होता है इंटरनेट कनेक्शन का वगैरह, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है सर, मैंने आपके चैट पर डाउट पूछा, ओ चैट पर डाउट पूछा, या फिर अभी क्वेश्चन देखते रहे तेरे को समझ में आ जाएगा, श्री केवीएल इन लूप इज ऑलवेज जीरो, राइट, अब देखते हैं ना, मैं अरे मैं क्या बोला तुमको, अभी क्वेश्चन करते समझ में आएगा, क्वेश्चन करूं मैं गाइस, क्वेश्चन करूं, अरे गाइस आगे बढ़ू मैं, एक मिनट, हाँ फटाफट लिखो जरा आगे बढ़ू, देखो तीन चार क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे ना,
तो आपको भी सब कुछ समझ में आएगा। पहले लिखो, अभी तक कुछ मेथड क्लियर नहीं हुआ है। अब तक मैंने क्या बताया, सिर्फ वी ए माइनस वी बी को क्या बताया, सिर्फ इतना लिखा मैंने। फिर मैंने क्या किया, बी एन ए को से शॉर्ट कर दिया, मतलब बी एन बी ए की वैल्यू क्या कर दी, जीरो कर दी। बस इसकी वैल्यू मैंने जीरो कर दी, खत्म। ये जीरो कर दी तो इसको ये जो हुआ इक्वेशन हुआ, इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग करेंगे। जाइन 8:30 तक है, आज कोई ब्रेक नहीं है क्योंकि लेक्चर 6:30 में चालू हुआ है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे दो दो लेक्चर्स है, अब आतिफ सर का भी लेक्चर है, 10 to 11 वाला भी बैच आ चुका है, बोर्ड एक की है, तभी एक हम लोग और एक बोर्ड लगा रहे घर पे, सादा वाला बोर्ड। हाँ बोलो सर। वो बैकग्राउंड जो व्हाइट रहता है वो जरा ब्लैक करना था ड्यू टू आई स्ट्रेन। हाँ नहीं, वो ब्लैक पे बहुत गंदा दिख रहा है, सब पूरा का पूरा रिफ्लेक्शन आ जाता है उसमें, ब्लैक नहीं होगा सर। तो ग्रीन भी कर दिया तभी भी चलेगा। नहीं सब दिखता है, सब दिखता है, सारा कैमरा, सारा लाइट, आगे का कैमरा, उसका लाइट, सब दिखता है उस पर। चेक किया सर, पर स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, मतलब लिखने में तो वही काम आएगा ना। हाँ लेकिन क्योंकि एक वीडियोस भी तो बन रहे हैं ना यहाँ पे, वीडियो भी तो शूट हो रहे हैं ना वो कैमरा पे, वो तुम्हारे को बाद में काम आने वाले हैं वो वीडियो। जब तुम जुलाई के बाद तुमको जब रिवीजन करना होगा तो तुमको प्रॉपर वाले वीडियो चाहिए ना। ओके सर, तो उसमें तुम्हारे वो वीडियो काम में आने वाले हैं। चलो आगे बढ़े गाइस, लिख के हो गया? एक मिनट सर। यस सर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हो गया ठीक है। एक छोटा सा इसके ऊपर का एग्जाम्पल, ठीक है, सेम चीज है, सेम एग्जाम्पल। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने सपोज ये मैंने लिखा एक ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ठीक है। सिर्फ तुम इक्वेशन लिख के मुझे बताओ, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये सपोज मैंने लिखा 8 वोल्ट और ये लिखा 2 वोल्ट ऐसे, और मैंने बोला एक करंट जा रहा है, देखो एक ही डायरेक्शन में करंट ले रहा हूं, करंट आ गया ठीक है। तो मुझे पहले तो एक बात बताओ, VA माइनस VB क्या लिखेंगे आप, कैसे जाओगे VA माइनस VB लिखने के लिए, क्या करेंगे, इधर से जाओगे ऐसे 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 करके जाओगे, बराबर। अब मुझे एक काम करो, मैंने सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे सब लोग ने क्या किया, मैंने इस B और A को ऐसे कनेक्ट किया है, ऐसे कनेक्ट किया है, तो क्या होगा बताओ मुझे, B और A को ऐसे शॉर्ट किया है, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट कर, ठीक है, शॉर्ट सर्किट। तो मुझे होता है ऐसे शॉर्ट सर्किट मैंने किया, इसका मतलब B और A की वैल्यू क्या कर दी मैंने, B और A को क्या कर दिया मैंने, जीरो कर दिया। तो अब मुझे बताओ, सपोज मुझे लिखना है वी ए माइनस वी बी, मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि वी ए माइनस वी बी की वैल्यू मैंने क्या कर दी, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू मैंने क्या कर दी गई, जीरो। मतलब मैं क्या ऐसे बोल सकता हूँ, मैं इस पॉइंट से निकला, ट्रेवल किया किया किया, इधर गया, वापस ट्रेवल करके उसी पॉइंट पे आया, तो मैं लूप में गया, ऐसे लूप में, समझ में आ रहा है कि ऐसे लूप में गया मैं, ठीक है। तो ऐसे लूप में गया तो बोला कि फाइंड दिस आई की वैल्यू, ये आई पूछा है, आई की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं है, आई की वैल्यू पूछी है। मुझे बताओ कैसे करोगे, पहले मुझे बताओ, जब मैं ट्रेवल करता हूं तो कैसे ट्रेवल करूंगा, तो मैं जा रहा हूं करंट के डायरेक्शन में, देखो व्हेन आई एम ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं मैं, आई इंटू आर, तो टू इंटू आई लिखूंगा मैं, आई इंटू आर, टू इंटू आई, यहां से यहां पे ट्रेवल कर रहा हूं। अब मुझे बताओ मैं कहां पे ट्रेवल कर रहा हूं, माइनस टू प्लस, तो मुझे बताओ यहां पे क्या लिखूंगा मैं, -8। समझ में आ रहा है क्या, जब मैं यहां पे करंट के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा हूं, तो आई एम ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, आई इंटू आर, तो क्या लिखूंगा मैं, +4i। ये इक्वेशन जो लिख रहा हूं वो समझ में आ रहा है तुमको सबको गाइस, यस, +4i। अब मुझे बताओ यहां से यहां पे मैं ट्रेवल कर रहा हूं, तो आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम +2 -, क्या लिखूंगा मैं, आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम +2 -, तो क्या लिखूंगा मैं, +2।
अब मैं यहाँ पे बी पे पहुंच गया, जब बी पे पहुंच गया मतलब वही इधर से मैं इधर आऊंगा, इधर ही पहुंच गया, तो इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, जीरो। ये आपको ये इक्वेशन समझ में आया क्या तुमको? मुझे बता इक्वेशन समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो यहाँ पे आंसर क्या आया, 4i + 2i - 6i - 8+2 - 6 = 0। तो i की वैल्यू कितनी आई, 1 एम्पियर। क्या आई करंट की यहाँ पे वैल्यू कितनी आई, 1 एम्पियर। तो इस लूप में जो करंट का वैल्यू आया वो क्या है, 1 एम्पियर। तो ये 1 एम्पियर मेरा आंसर आ गया, समझ में आ रहा है। और इसको हम लोग बोलते हैं लूप मेथड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लूप मेथड। मतलब एक लूप में आपने इक्वेशन लिखा, क्वेश्चन को सॉल्व हो गया और जो मेरा आंसर है वही मेरा आंसर, मतलब ये मेरा डायरेक्टली करंट का आंसर आ गया, समझे। तो सर लूप मेथड में हमेशा va - vb 0 ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन ही हो रहेगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको लूप मेथड का क्वेश्चन बताया, अब मैं एक्चुअल क्वेश्चन बताता हूँ जो आपको आने वाले है, राइट। अब जो एक्चुअल क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कोई भी लूप में आप इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो आपको कुछ चीज समझ में आने वाली है। देखो यहाँ पे इस चीज को आप अच्छे से देखोगे, अभी तो मैं इस तरीके से करंट दे रहा हूँ, बराबर। अब मैं आपको बता दूं एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अब आपको क्लिक हो जाएगा हर एक चीज, आपको क्लिक होने वाली अभी चीज। रूल समझ में आया पहले मुझे, तो रूल्स क्या है, केवीएल के रूल्स क्या है, केवीएल के रूल क्या बोले मैंने, करंट के डायरेक्शन में जाना है तो लिखता है प्लस, करंट के अपोजिट किया तो क्या लिखेंगे, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस, करंट के अपोजिट में माइनस, बिल्कुल करंट के अपोजिट में माइनस। बैटरी में प्लस टू माइनस तो प्लस, बैटरी में माइनस टू प्लस तो क्या लिखेंगे, बैटरी में माइनस टू प्लस तो माइनस। सिंपल, ये चार रूल दिमाग में है कि नहीं ये पहले बताओ। हाँ सर, ये चार रूल दिमाग में है, फिर अपन ट्रेवल करते रहेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। चलो अभी ट्रेवल करते क्वेश्चन को सॉल्व करते फटाफट, ठीक है, आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू। यस सर। ठीक है चलो आगे बढ़ो। अब यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे देखो एग्जांपल टू देखो फटाफट फटाफट, यहाँ पे देखो। अब मैंने एकदम सिंपल सिंपल पहले एग्जांपल देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे डाला रेजिस्टेंस, अब ये तुमने क्वेश्चन ऑलरेडी बचपन में सॉल्व किए रहते हैं, ठीक है, मैं जस्ट एक एग्जांपल्स डाल रहा हूँ, ठीक है, मैं दो एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ। फटाफट यहाँ पे देखो सब, फटाफट फटाफट यहाँ पे देखो। पहले तुम्हारे हिसाब से बताओ, तुम्हारे बचपन के हिसाब से, जैसे एक 8 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है, मुझे बताओ इसमें कितना करंट जाएगा ओम लॉ के हिसाब से, V = IR, कितना करंट जाएगा, 4 एम्पियर, ठीक है। तो 8/2 4 एम्पियर। अब मैंने वही चीज यहाँ पे लगाई, ठीक है, यहाँ पे मैंने लगाया 10 वोल्ट, यहाँ पे लगाया 2 ओम, यहाँ पे लगाया 3 ओम। मुझे बताओ ये 2 और 3 ओम लोग क्या बोलते थे इसको, किसमें सीरीज कॉम्बिनेशन, तो 2 + 3 क्या लिखते थे अपन, 5 ओम। 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट / 5 कितना करंट गया, 2 एम्पियर। यहाँ पे 2 एम्पियर, यहाँ पे 4 एम्पियर, ये डायरेक्टली आपने निकाला। हम लोग को अभी डायरेक्ट नहीं निकालना, ये तो ठीक है आपने बचपन में देखा, अभी हम लोग पहले अपना किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन अ लूप मेथड को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन अ लूप मेथड का सबसे पहला काम होता है, गाइस लूप दिख रही है कि नहीं दिख रही है, पूरी के पूरी लूप दिख रही है कि नहीं दिख रही है, मतलब ए पॉइंट है, ये पूरा का पूरा ए पॉइंट है, घूम के वापस वही आ रहा है। तो पहले क्या करने का, कहीं ना कहीं कोई डायरेक्शन में करंट लेने का, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे मान लिया करंट आए, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे करंट आई मान लिया, इधर भी कितना जाएगा आई, इधर भी कितना जाएगा आई, यहाँ तो कुछ नहीं, देखो ये जो है ना ये कुछ नहीं, ये तो बेवकूफ बनाने वाली चीजें होती है, ठीक है। यहाँ पे कितना करंट जाएगा आई, ठीक है आई आ गया। हमेशा हमेशा दो चीजें दिमाग में रखनी कि केसीएल केवीएल साथ में चलता है, किरचॉफ करंट लॉ किरचॉफ वोल्टेज लॉ दोनों साथ में चलता है। तो यहाँ पे मुझे बताओ करंट गया, करंट उतना ही आया, मुझे बताओ किसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, यहाँ पे वैल्यू किसकी निकालनी है, आई की। तो मुझे बताओ आई मतलब एक अननोन है, मुझे इक्वेशन कितना चाहिए, 1 अननोन 1 इक्वेशन, राइट। अरे 1 अननोन 1 इक्वेशन, 1 अननोन 1 इक्वेशन का मतलब क्या, मुझे एक इक्वेशन लिखना है, कैसे लिखेंगे, यहां से निकलो ट्रैवल करो, अब ट्रैवल करके वापस इसी पॉइंट पे आओ, देखो ये ए पॉइंट है, इसी पॉइंट पे वापस आओ तो लूप बनेगी। तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ऐसे, देखो ऐसे ट्रैवल कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे मैं ट्रैवल क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, पहले वाले क्वेश्चन में मैंने ट्रैवल एंटी क्लॉकवाइज किया था, देखो ऐसे ट्रैवल किया था, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे ट्रैवल करना है वैसे। अब जनरली क्लॉकवाइज अपने को अच्छा लगता है कि हम लोग इंडियंस है तो क्लॉकवाइज अच्छा लगता है, देखो क्लॉकवाइज अच्छा लगता है, चलो क्लॉकवाइज जाओ। तो पहले मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल करूंगा, तो आई एम ट्रैवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट अक्रॉस रेजिस्टेंस, क्या लिखूंगा मैं, I into R, तो I into R मतलब क्या, 2 into I, बराबर। हाँ, अब यहाँ पे कुछ है क्या,
अरे यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे पहुंच गया, ये ऐसी बेवकूफ बनाने वाली चीज है। अब मुझे बताओ, मैं यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ, अब देखो मेरा मेरा ग्रीन ग्रीन को देखो, ग्रीन को फॉलो करो। नाउ आई एम ट्रेवलिंग फ्रॉम बैटरी में कहाँ से कहाँ पे जा रहा हूँ, मैं बैटरी में कहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो व्हेन आई ट्रेवल फ्रॉम माइनस टू प्लस क्या लिखता हूँ मैं, माइनस, हाँ माइनस एट, माइनस एट, यहाँ पे माइनस आ गया, वापस में इधर पहुंच गया, इधर कुछ नहीं है, मैं इधर पहुंच गया। अब इधर पहुंच गया तो इक्वल टू क्या कर देंगे अपन, इक्वल टू पहुंच गया मतलब वहां पे कोई भी लूप में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, जब मैं उसी पॉइंट, जिस पॉइंट से निकलता उसी पॉइंट में मैं पहुंचा घूम के, तो इक्वल टू क्या लिखने का हमेशा, जीरो, जीरो, क्योंकि उधर ही पहुंच गया ना मैं, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, लूप बन गई इक्वल टू जीरो। तो करंट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, एट बाई टू विच इज इक्वल टू कितना आया, फोर आया। समझ में आया गई, समझ में आया चीज, यस सर। तो तुमने जो मेथड, जो अपने नॉर्मल मेथड से किया, अपन ने किससे किया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लूप मेथड से किया, जो क्वेश्चन तुम डायरेक्टली करते थे सीरीज पैरेलल। अब यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन में, चलो करंट आई लिया, यहाँ पे भी करंट आई लिया, ठीक है, करंट आई गया आई गया, अब करंट आई ही जाने वाला है, कहीं पे भी करंट आई ही जाने वाला है, यहाँ पे भी करंट आई ही जाएगा, यहाँ पे भी करंट आई ही जाएगा, आया आया। अब मुझे बताओ जब मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे जाऊंगा, बताओ मुझे, व्हेन आई ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो ट्रैवलिंग कैसे करता हूँ मैं इधर से इधर, क्या लिखूंगा बताओ मुझे। अब इधर से निकल के पूरा घूम के वापस उधर ही आना है, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, टू आई, ठीक है, आई इंटू आर, यहाँ पे भी करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, क्या लिखूंगा मैं, थ्री आई। अब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, अब यहाँ पे जा रहा हूँ बैटरी के अक्रॉस, तो बैटरी के अक्रॉस जा रहा हूँ माइनस टू प्लस, तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस टेन, माइनस टेन। फिर यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे पहुंच गया, जैसे ही यहाँ पे पहुंच गया घूम के यहाँ पे पहुंच गया, इक्वल टू क्या लिखा मैंने, इक्वल टू क्या लिखा मैंने, जीरो। तो फाइव आई की वैल्यू कितनी आई, टेन आई, तो आई की वैल्यू कितनी आई, टू एम्पियर आई। समझ में आ रहा है क्या गाइस, समझ में आ रहा है इक्वेशन कैसे लिखना है, समझ में आ रहा है, यस सर। चलो फटाफट इस दो इक्वेशन, दो क्वेश्चंस को लिखो फटाफट, इस दो क्वेश्चंस को लिखो गाइस। सो इज ओम्स लॉ डेरिवेशन ऑफ द किरचॉफ लॉज, नहीं नहीं, ओम लॉ अलग है अपना, किरचॉफ अलग है, दोनों अलग अलग साइंटिस्ट है, तो दोनों ने अलग तरीके से सेम चीज डिराइव किया। हाँ मतलब दोनों ने सेम चीज डिराइव किया, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, मतलब अभी थोड़ा दो तीन लेक्चर तुम रुकोगे ना, तीन लेक्चर तुमको समझ में आएगा हर एक चीज, तीन लेक्चर रुको तुम। इसमें अलग अलग मेथड भी है, नोड मेथड भी है, बहुत ही मस्त मेथड है वो, जो मैं सेकंड लेक्चर में बताऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जेई मेन के, एडवांस के, नीट के, ऐसे सॉल्व हो जाते हैं नोड मेथड, ठीक है। आपको बताया अभी तो यार एग्जाम्पल टू ही दिया मैंने, अभी चलो एग्जाम्पल थ्री जाते, तुमको अभी क्लिक हो गया क्या, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा था अभी क्लिक हो गया, Yes, जो मैं पढ़ा रहा था अभी क्लिक हो गया, क्यों पढ़ा रहा था मैं, तुम लोग को ऐसा लग रहा होगा अरे सर कल चल क्या रहा है, आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ की मेथड बना रहे हो, केवीएल रूल्स बना रहे हो, क्यों बना रहे हैं रूल, क्या मेथड थी वो, क्या सब कुछ था, अभी समझ में आया, यस सर, ठीक है। ये तो लूप पे आया राइट, लेकिन ना क्वेश्चन तो केवीएल पे भी आते हैं, सिंपली केवीएल पे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेगा इधर, इवन सीईटी में, ठीक है, तो सीईटी में कुछ कुछ अच्छे क्वेश्चन भी कभी कभी सीईटी में भी बनते हैं, तो सीईटी में जो क्वेश्चन कभी कभी बनते हैं, जो जेई मेन में अच्छे लेवल के बनते हैं, एडवांस में भी कभी कभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, सिंपली केवीएल पे, सिंपल किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिनको केवीएल प्रॉपरली नहीं आता वो डूब जाता है उसमें, ठीक है। तो केवीएल समझ में आया और केवीएल इन लूप भी समझ में आया, बराबर, लूप तो एकदम सिंपल है, एक से जगह से निकलो उधर ही पहुंचो इक्वल टू जीरो कर दो, वो हो गया लूप, समझे क्या, आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन आप करोगे, करोगे आप लोग करोगे क्वेश्चन एक, यस सर, यस, चलो एग्जांपल थ्री आप करो, ठीक है, जिसने नहीं लिखा होगा स्क्रीनशॉट लेके रखो, और ये एग्जांपल थ्री आपको करना है, फटाफट करना है गाइस, ठीक है। अब एक ऐसा ऐसा सर्किट है,
मुझे बताओ करंट कितना जाएगा इस सर्किट में, करंट कितना जाएगा, करंट में मान के चलता हूँ, चलो करंट ऐसे जा रहा है आई, तो ऐसे ही जा रहा है, तो बताओ इस करंट आई की वैल्यू कितनी होगी इस पर्टिकुलर सर्किट में, बताओ फटाफट करंट आई की वैल्यू कितनी होगी इस पर्टिकुलर सर्किट में। सर हाँ सर, मुझे एक ये डाउट था कि अगर वहां पर करंट की डायरेक्शन डिफाइन नहीं होगी तो हम कोई भी ले सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कोई भी करंट लो, एंड क्लॉकवाइज करंट लेने का, आई की वैल्यू निगेटिव आई मतलब करंट कैसे जा रहा है उल्टा उल्टा, यस हाँ, आई की वैल्यू पॉजिटिव आई तो उन्हें मानी हुई डायरेक्शन सही है, आई की वैल्यू निगेटिव आई तो गलत, खत्म। अभी के लिए अपनी मेथड लगाओ, अरे आंसर इधर चैट पे लिखो, चैट इधर क्यों बोलते, चैट पे लिखो आंसर, सब चैट पे लिखो, आंसर बोलना नहीं है। चलो और एक मिनट लो, फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा गाइस, और एक मिनट लो उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। आज अपना वेंसडे, फ्राइडे को भी लेक्चर, वेंसडे एंड फ्राइडे के बाद आपको होमवर्क मिलेगा, अभी आपको होमवर्क नहीं मिलेगा, अभी जो भी रिकॉर्डिंग है एक बार देख लेना जिसको प्रॉब्लम है, ठीक है, और फिर फ्राइडे का जो लेक्चर होगा उसके बाद आपको होमवर्क मिलेगा एचपी और मात्र, ठीक है, और सीईटी वालों के लिए अलग मिलेगा, जेई मेन वालों के लिए अलग मिलेगा, नीट वालों के लिए अलग मिलेगा, जेई मेन एंड नीट खास करके अभी सेम ही रहेंगे, कुछ हद तक सीईटी थोड़ा सा अलग रहेगा। चलो गाइस 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 यहाँ पे सब लोग देख लो, गाइस सब लोग यहाँ पे देख लो, ये करंट आई है, करंट आई है, ये जाएगा करंट आई, इधर भी करंट जाएगा आई, पहले लिखते रहो, देखो पहले करंट पूरा का पूरा लिख देने का, करंट आई जाएगा मतलब बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा, करंट आई जाएगा, राइट। अब मुझे बताओ हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, एक पॉइंट से निकलो, घूम के उसी पॉइंट पे वापस आओ, भाई इस पॉइंट से निकला घूम के उस पॉइंट पे वापस आओ, मतलब क्या, मैं इस पॉइंट से निकला, अब मैं जा रहा हूं, देखो डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो मैं कैसे जा रहा हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो व्हेन आई एम ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट क्या लिखूंगा मैं, अरे प्लस टू आई, तो प्लस टू आई लिखूंगा, फिर मैं बैटरी में जा रहा हूँ प्लस टू माइनस, देखो बैटरी में जा रहा हूँ प्लस टू माइनस, क्या लिखूंगा मैं, प्लस टू, प्लस टू, फिर यहाँ पे पहुंचा, ठीक है, मैं यहाँ पे पहुंचा, फिर इसके बाद इधर भी बैटरी में ही जा रहा हूँ मैं, बैटरी में माइनस टू प्लस जा रहा हूँ, बैटरी माइनस टू माइनस फोर, सो माइनस फोर जो इक्वेशन लिख रहा हूँ समझ में आना चाहिए आपको, फिर मैं बैटरी में जा रहा हूँ प्लस टू माइनस बैटरी में जा रहा हूँ, क्या लिखूंगा मैं, प्लस एट, फिर मैं देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जा रहा हूँ, देखो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जा रहा हूँ करंट के डायरेक्शन में, आई इंटू आर, तो आई इंटू वन, तो क्या क्या लिखेंगे अपन सीधा इधर, प्लस आई, ठीक है, फिर यहाँ पे, हाँ फिर यहाँ पे बैटरी में कहाँ से कहाँ पे जा रहा हूँ, माइनस टू प्लस माइनस माइनस ट्वेंटी, ठीक है, और फाइनली मैं करंट रेजिस्टेंस के करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ रेजिस्टेंस में, तो क्या लिखूंगा मैं, प्लस थ्री आई, कोई दिक्कत है क्या मुझे बताओ, इसमें कोई दिक्कत है क्या, नो सर, इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, जीरो, अब टू आई आई थ्री आई कितना हुआ यहाँ पे, सेवन बाय थ्री सर, सिक्स आई, और यहाँ पे कितना हुआ, माइनस फोर्टीन, फोर्टीन, ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, आई की वैल्यू कितनी है, बाय थ्री एम्पियर, ठीक है गाइस समझ में आ रहा है सर, हाँ बोलो सर, जब आप बात करते हो ना प्लीज म्यूट कर रखने को बोलो ना, वीडियो चला जाता है, हाँ गाइस प्लीज, हाँ मतलब क्योंकि जो लोग वीडियो से देख रहे होंगे
तो वो लोग के लिए वीडियो चला जाता है, तो आप लोग बिल्कुल, आपको मैंने बोला हैबिट डालो चैट पे आंसर डालने की। सर आप आपका वीडियो पिन भी कर सकते हो। और सर साइड बाय साइड मोड में जाता भी नहीं है। हाँ सर नहीं है। मैं वो चेक करता हूँ, अभी मैं किसी ग्रुप के साथ बुला के पहले एक बार चेक करते हैं वेबिनार को, आज रात को थोड़ा सा आरएनडी करते हैं जूम के ऊपर, और जो भी कंप्लेंट है वो उन्होंने उनको अपन ने दे दी उनके मेल पे, तो वो लोग रिप्लाई करते हैं जूम वाले, डिमांड में ना आजकल जूम। ठीक है, तो मुझे तो इतना समझ में आया कि मुझे पहले बताओ ये सब समझ में आया कि नहीं आया। यस सर। यस सर आया। ठीक है चलो, तो अब गाइस मतलब ऑलमोस्ट अपना लेक्चर खत्म हुआ है, सिर्फ मैं एक लास्ट का चीज पूछ रहा हूँ और फिर उसके अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सब लोग यहाँ पे देखो गाइस, सब लोग यहाँ पे देखो। अब प्रॉब्लम क्या है, ये तो था एक लूप, ये क्या है सिंगल लूप था, तो हमेशा भी दिमाग में रखने का वन लूप गिव्स यू वन इक्वेशन। क्या बोला मैंने, वन लूप गिव्स यू वन इक्वेशन। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई लूप जो है एक नहीं है, यहाँ पे देखो लूप देखो, अब मैंने कुछ ऐसे किया, मैं इन जनरल सिर्फ आपको यहाँ पे लिख रहा हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ऐसी बैटरी लगाई और एक ऐसे रेजिस्टेंस लगाया, अब देखो यहाँ पे पंगा हुआ कि नहीं हुआ। अब ऐसे सर्किट आपने किए है क्या? अरे भाई ऐसे सर्किट आपने किए है क्या? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 10 वोल्ट हुआ, लेट्स से मैं ऐसे एक इंजन लिखता हूँ यहाँ पे 4 वोल्ट, जैसे इसको लिखता हूँ मैं 2 ओम और लेट्स से इसको मैं लिखता हूँ 3 ओम। अब किसी ने बोला सर ये 3 ओम एंड 2 ओम में कितना करंट जाएगा, कितना करंट जाएगा? मैंने आपको एक सिंपल सी बात याद रखने के लिए बोली थी, हमेशा दो चीजें दिमाग में रखनी है, KCL एंड KVL दोनों अपने को काम में आने वाले, दोनों अपने को काम में आने वाले, KCL भी KVL भी। ठीक है, अब मुझे बताओ कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, अपन फिर अगले लेक्चर में इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। कभी भी ध्यान में रखना एक बात बताओ, मैंने अभी KVL के लिए क्या बोला था आपको याद करो, KVL के लिए करंट I आ रहा है, इसमें से करंट I1 इधर गया तो बचा कितना, इधर कितना जाता है? अरे करंट आई में से आई वन गया तो बचा कितना, आई माइनस आई वन, तो आई माइनस आई वन बोलो, या फिर कुछ लोग क्या बोलते हैं आई टू बोलते हैं, और फिर बोलते हैं आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, मतलब आई टू की वैल्यू क्या होगी, आई माइनस आई वन ही होगी ना। अरे केवी एक किरचॉफ करंट लॉ था राइट, अब दिमाग में मत डालो, 10 एम्पियर आ रहा है 2 एम्पियर गया बचा 8 एम्पियर, डायरेक्टली प्लस माइनस करो क्यों इक्वेशन बढ़ा रहे हो। तो अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल 4 में लेट्स से करंट आई आया, करंट आई आया, आई आ रहा है आ रहा है आ रहा है। ठीक है, अब इस आई में से सपोज यहाँ पे करंट गया आई वन, ठीक है मैं काम करता हूँ करंट आई वन इधर लिखता हूँ, करंट आई वन आ रहा है आई वन आ रहा है आई वन आ रहा है, इधर गया आई टू, ठीक है यहाँ पे आई वन आ रहा था, इस जंक्शन पे इधर आई टू गया तो इधर कितना बचा, अरे इधर कितना बचा, अरे आई वन में से आई टू गया तो इधर कितना बचा, I1 माइनस I2, तो I1 आया उसमें से I2 गया बचा कितना, I1 माइनस I2, कोई दिक्कत है क्या बताओ मुझे इसमें। अब ये I2 करंट यहां से जा रहा है, I2 करंट यहां से जा रहा है, देखो I2 करंट यहां से आया, I1 माइनस I2 आया, तो टोटल अभी देखो यहां पे इस जंक्शन पे I1 माइनस I2 एंड I2 दोनों आए, तो दोनों का क्या होगा भाई, दोनों क्या होगा इस जंक्शन पे, ओनली भी आया, अरे दोनों ऐड होगा ना, दोनों ऐड होगा ना, दोनों ऐड, मुझे तो दोनों को ऐड करो, I1 माइनस I2 प्लस I2 कितना बनेगा, कितना बनेगा, I1 बनेगा, अरे भाई तुम म्यूट करके रखो भाई, अब करंट I1 बचा तो एकदम सिंपल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो तुम सब लोग म्यूट करके रखो, नहीं तो किसी को नहीं अनम्यूट का ऑप्शन ही नहीं दूंगा मैं तुम्हारे, वैसे कुछ कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है भाई। ठीक है, जो मैं ठीक है मैं जब बोलता हूँ मैं ऐसा बोलता हूँ कि अरे चलो बताओ ये करो वो करो, तो मैं इमेजिन करता हूँ कि मेरे को रिप्लाई आ रहा है, ठीक है अभी मेरे को हैबिट लग गई ऑनलाइन की, अब मैं प्रॉपर फुल फ्लेज में ऑनलाइन वाला हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो करंट I1 आया उसमें से करंट I2 गया बचा कितना, I1 माइनस I2, फिर I1 माइनस I2 यहाँ से आ रहा है, I2 यहाँ से आ रहा है, दोनों मिलके यहाँ पे आया, मतलब किरचॉफ करंट लॉ हर जंक्शन में लग रहा है अपने को, अरे ये जो नोड है हर जंक्शन, इसको जंक्शन भी बोल सकते हैं, हर जंक्शन में अपने को लग रहा है बराबर, तो किरचॉफ करंट लॉ तो दिमाग में रखने के रखने है, किरचॉफ करंट लॉ का मतलब होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, मुझे होता है इसको देख के कितने अननोन दिख रहे हैं आपको, कितने अननोन दिख रहे हैं, I1 I2 कितने अननोन दिख रहे हैं,
अरे अननोन कितने दिख रहे हैं, दो। अब दो अननोन दिख रहे हैं, आई वन एंड आई टू, इक्वेशन भी कितने चाहिए, इक्वेशन कितने चाहिए, दो। अब मुझे तो इक्वेशन दो चाहिए, तो एक लूप मुझे कितना इक्वेशन देता है, एक लूप मुझे कितना इक्वेशन देता है, वन लूप गिव्स यू कितना इक्वेशन, वन इक्वेशन, वन लूप गिव्स यू वन इक्वेशन, टू लूप गिव्स यू टू इक्वेशन। इसमें कितने लूप दिख रहे हैं तुमको, कोई बोल सकते इसमें कितने लूप्स है, अरे इसमें लूप्स कितने हैं, नहीं गाइज यहाँ पे अच्छे से देखोगे दो नहीं है, यहाँ पे दो लूप नहीं है गाइज, देखो यहाँ पे ये एक लूप लेफ्ट साइड वाला छोटा लूप, राइट हैंड साइड वाला एक बड़ा वाला लूप, देखो ना बड़ा वाला, तो एक्चुअल में तीन है, अरे एक बड़ा वाला भी है, ये छोटा वाला और ये छोटा वाला, दो तो तीन हो गए गाइज, तीन लूप है, तीन लूप में से कोई भी दो ले लो, तीन लूप में से कोई भी दो ले लो आपका काम हो जाएगा, समझे, तीन लूप में से कोई भी दो लूप ले लेने का आपका काम हो जाएगा गाइज, ठीक है। अब मैं कोई भी दो लूप आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ और बस अपन एंड करते लेक्चर को, पहले मैं लेता हूँ ये वाला लूप, ठीक है, देखो ये वाला लूप, अब ये वाला लूप में इक्वेशन लिख रहा हूँ वो ध्यान से देखो, पहले मैं कहाँ से कहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है, मैं भी इसमें लिख रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं जा रहा हूँ गाइस यहाँ से यहाँ पे करंट के डायरेक्शन थ्री ओम के अक्रॉस जा रहा हूँ करंट के डायरेक्शन में, आई एम गोइंग टू राइट व्हाट, थ्री आई वन, ठीक है, फिर मैं कहां से कहां पे जा रहा हूँ बैटरी के अक्रॉस जा रहा हूँ प्लस टू माइनस, समझ में आ रहा है क्या, सो प्लस टू माइनस जा रहा हूं तो क्या लिखूंगा मैं, अब मैं इसको ये इधर को इरेज कर देता हूँ, अब सिर्फ यहां पे देख लो तुम, प्लस टू माइनस जा रहा हूँ क्या लिखूंगा मैं, प्लस फोर बैटरी के अक्रॉस प्लस टू माइनस मतलब प्लस फोर वोल्ट, फिर यहां पे वापस बैटरी के अक्रॉस जा रहा हूँ, बैटरी के अक्रॉस जा रहा हूँ माइनस टू प्लस, देखो एक लूप कंप्लीट कर रहा हूं मैं, इधर से निकल के पूरा वापस उधर ही आ रहा हूँ, माइनस टू प्लस माइनस टेन यहाँ पे पहुंच गया, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, समझे क्या गाइस, समझ ले, समझ में आ गया इसको, ये इक्वेशन समझ में आया, क्या आया, थ्री आई वन प्लस फोर माइनस टेन, आंसर कितना है, थ्री आई वन इज इक्वल टू सिक्स, तो आई वन की वैल्यू कितनी आई गाइस, आई वन की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पे आई वन की वैल्यू कितनी आई, टू एम्पियर आई, समझ में आया इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर वन समझ में आया सबको। अब कोई बोलेंगे सर एक काम करते हैं, पूरा बड़ा वाला लूप, इस इक्वेशन को मैं वापस कंटिन्यू करूंगा, ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं अपने लूप मेथड से। अब इससे निकलो और पूरा घूम के आओ ऐसे, देखो ये पूरा घूम के आओ, बड़ा वाला लूप का इक्वेशन लिखता हूं मैं, अरे बड़े वाले लूप का इक्वेशन लिखता हूं मैं, ठीक है, अब बड़े वाले लूप का इक्वेशन लिखो, चलो बताओ मुझे यहां से निकले पहले कैसे गए, अब ग्रीन ग्रीन वाला फॉलो करना, ग्रीन यहां से निकले पहले करंट के डायरेक्शन में गए, क्या इक्वेशन आएगा बताओ, 3i1, फिर यहाँ पे कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, बकवास था, कुछ नहीं था, ठीक है, ये इरेज कर लेते ऊपर वाले को। हाँ, अब मुझे बताओ यहाँ पे कुछ नहीं था, हाँ, अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में जा रहे क्या लिखेंगे, प्लस या माइनस बताओ, अरे करंट के डायरेक्शन में जा रहे 2 इंटू आई टू, अब यहाँ पे आई टू है 2 इंटू आई टू, तो प्लस 2i2, अच्छे से लिखो 2i2, करंट के डायरेक्शन में प्लस, ये बकवास है, कुछ नहीं, देखो एक सिंपल वायर है, कुछ नहीं है, हाँ, यहाँ पे आए, अब मुझे बताओ यहाँ से यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ पे करंट के नहीं बैटरी में माइनस टू प्लस, बैटरी में माइनस टू प्लस क्या लिखते हैं, माइनस टेन, ठीक है, यहाँ पे आए इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो कर दिया, इक्वेशन नंबर टू आ गया, समझ में आया कि नहीं आया। अब भाई आई वन की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, टू थ्री इंटू टू कितने, सिक्स माइनस टेन माइनस फोर, तो फोर बाई टू, अरे आई टू भी टू ही आ रहा है, देखो यहाँ पे आई टू की वैल्यू कितनी आ रही है, आई टू की वैल्यू कितनी आ रही है, दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करके आई टू की वैल्यू कितनी आ रही है, टू एम्पियर, समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। चलो गाइस कैसे लूप के इक्वेशन लिख रहे, समझ में आया, मेथड सेम है कि नहीं है। सर एक डाउट है। क्या डाउट है भाई? सर तो जो बीच में जो चार्ज जा रहा है आई वन माइनस आई टू, तो वो जीरो हो जाएगा ना? यस, इस क्वेश्चन में जीरो हो रहा है, तो यहाँ वहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। ओके, तो जो जेई में अच्छा क्वेश्चन बनेगा, जेई मेन में, ठीक है, जेई मेन में अच्छा क्वेश्चन जो बनेगा वो क्या बनेगा, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय बैटरी 4 वोल्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कोई करंट ही नहीं जा रहा, करंट 4 वोल्ट में कोई पावर ही डिलीवर होगी, तो 4 वोल्ट का पावर जीरो हो जाएगी। देखो अच्छा क्वेश्चन बन गया फट करके, पावर होता है वी इंटू आई, याद करो थोड़ा सा, ये सब कुछ आएगा सेकंड थर्ड में, पहले मुझे होता मेथड समझ में कि नहीं आई। Yes, देखो मेथड समझ में आई कि नहीं आई, देखो मेथड समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं, मेथड समझ में आई, सब कुछ लिख दो, ठीक है, अगले लेक्चर में वापस हम लोग इस क्वेश्चन इस चीज को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे गाइस, ठीक है, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म हुआ है, फ्राइडे को अपन मिलते हैं।
थोड़ा सा ट्वेल्थ को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। जिन लोगों ने कुछ भी मिस किया होगा या कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा, रिकॉर्डिंग जूम की हो जाएगी अपलोड, देख लो फटाफट, ठीक है। बाय बाय कर दो, चलो बाय गाइस, बाय बाय सर, थैंक यू, बाय सर, थैंक यू सर, बाय गाइस, बाय गाइस, बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, थैंक यू, बाय गाइस, बाय, बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट, चलो बाय सर। ग्रीन वाला सिंप्लीफाई, अरे ग्रीन वाला सिंप्लीफाई करना तू, ये करंट आई वन की वैल्यू 2 एम्पीयर डाल दे, आप 3 इंटू 2 6 कर ले, 6 माइनस 10 माइनस 4 वहां पे प्लस 4 लिख दे, एक बार सिंप्लीफाई कर दे, नहीं समझ में तो कॉल कर। नहीं ट्रैवल मतलब मैं ऐसे ही बोलता हूँ यार, ये वर्ड यूज किया मैंने, ट्रैवल ट्रैवल मतलब इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, उसको ट्रैवल बोलते हैं ना, घूमना ऐसे, ठीक है, घूमना मतलब ट्रैवल करना, वो ऐसे ही वर्ड मैंने निकाला है, ऐसा कोई वो वर्ड का कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, समझने के लिए कंफ्यूज मत होना, तुम अपना वर्ड यूज करो, चलो बाय गाइस, बाय सर। बोलो सर, मुझे वो केसीएल के सेकंड वाले क्वेश्चन में अभी तक डाउट है। केसीएल का सेकंड वाला क्वेश्चन कौन सा? केसीएल का सेकंड वाला रिप्रेजेंटेशन, वो अगले एक लेक्चर में करेंगे, ठीक है, ओके सर, बाय, थैंक यू सर, बाय। आर्यन फिर तेरा देखा नहीं मैंने डाउट, तू कॉल कर मुझे, कौन सा डाउट पूछा तूने मेरे सर, अभी कब करना था?